देखिए, इसमें आपकी इस क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं परीक्षाओं में उतने क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ये क्लियर है कि आप समझिए कि बहुत बड़ी क्लास होने वाली है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक ही क्लास में इन सभी क्वेश्चंस को रखा जाए, फिर चाहे कितनी ही बड़ी आपकी क्लास भली हो जाए। समझ रहे हैं आप लोग? और ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना भी होती है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से दोहराता रहता हूँ कि आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस दोहराए जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, संविधान से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इतिहास से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें एक एक करके। और याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हैं सिविल सर्विस हो, स्टेट पीसीएस हो, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एसएससी, बैंक, रेलवे, इस तरह के वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 17। कौन सा है? 17 नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो याद रखिए, या तो 6 साल या फिर आप देखेंगे 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। क्या हो? जो भी पहले हो, इनमें से दो में से जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति साहब। कौन? हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो आप सभी जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 को। आप जानते हैं कि संविधान का भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों की बात करता है, और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों का क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये क्या होता है कई बार क्वेश्चंस बन जाता है। बी आर अम्बेडकर ने ये देख लिया। किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जो निर्वाचन हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, ये आपकी विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनके चुनाव करवाता है। और जो आप लोग स्थानीय चुनाव देखते हैं ना, ये कौन करवाता है? ये करवाता है, हर राज्य में अपना एक चुनाव आयोग होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति के किस राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 100, माफ करिए, 85। किस संविधान संशोधन के द्वारा पीवी वर्ष मान्यताओं और विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो ये 26वां संविधान संशोधन था। कब? 1971 की बात है। कब की बात है? 1971 की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन की बात की गई है? तो याद रखिए, द्वितीय अनुच्छेद में। किस में? दूसरी, माफ करिए, दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में लोगों को मालूम होना चाहिए। और आगे है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना पड़ता है? किन्हें? राष्ट्रपति साहब की बात की जा रही है। बताओ कितने दिनों पूर्व? तो ये आपको देखने को मिलेगा 14 दिन पूर्व। कितने? 14 दिन पूर्व उन्हें जानकारी एक तरह से बताना होगा कि उन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ये है आर्टिकल 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग प्रतिशत कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3। आपको बता दूं कि देखिए कई राज्यों में आप देखते हैं कि विधानसभा होती है और साथ में विधान परिषद भी होती है, लेकिन आप देखते हैं कई राज्यों में अकेली विधानसभा भी होती है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें आप लोग MLA कहते हैं, विधायक कहते हैं, इनका चुनाव तो आपकी डायरेक्ट जनता करती है, लेकिन जो विधान परिषद होता है इनका चुनाव 1/3 का भाग का आपका विधानसभा के द्वारा होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से कुछ राज्यपाल मनोनीत भी करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव किया, क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। यानी कि आप समझिए कि कुछ जरूरत है, जरूरी है एक तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची में उसमें कितने विषय हैं? इसमें आप देखिए बदलते रहते हैं 97। आप पहले की आप जब भी पेपर देने जा रहे हो उस समय आप लोग जरूर देख के जाया करिएगा, करंट से आप लोग जुड़े रहा करिएगा, इसीलिए तो कहते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 में आपका चुनाव, आपने जो योजना आयोग था ये खत्म हो चुका है और नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, तो 17वीं आपने देखा होगी, 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कोई नहीं आई है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण, यानी कि सत्ता एक तरह से सभी में पहुंचे, सभी लोगों तक। और इसके हिमायती आप देखते होंगे कि कौन हुआ करता था, महात्मा गांधी। और जो आप देखते हैं आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 ये आपका इसी से संबंधित है। भारत में प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सयनम अयंगर। ठीक है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब? 1976 में। आपको बता दूं 42वें संविधान को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में इसमें संशोधन किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय की बात की जा रही है। ठीक है, और आप समझिए कि 7वीं अनुसूची में आप देखते हैं 3 सूचियां होती हैं, एक तो आपकी संवर्ती सूची, एक संघ सूची, एक राज्य सूची। और आप जानते हैं कि संघ सूची पर आपका केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पर आप देखते हैं राज्य सरकारें, संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर दोनों में टकराव है तो केंद्र सरकार का कानून मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में। ये भी आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, समझ रहे हैं आप लोग। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन था। पहले आप जानते हैं कि 7 आपके मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका कानूनी अधिकार है, अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और एक और याद रखिए 1978 में अलग बाहर किया गया था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ही आपका सभापति होता है, लेकिन एक बात और याद रखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इस तरह के क्वेश्चन सरल होते हैं फिर भी पूछ लेता है। आप सभी जानते हैं कि 370 आपका जम्मू कश्मीर से हुआ करता था, लेकिन 2019 में हटा दिया गया है, कुछ धाराएं बची हुई हैं। ठीक है, जो स्पेशल एक तरह से दर्जा मिला हुआ था उसे हटा दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। या तो आपत्यासित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकालता है? राष्ट्रपति की इच्छा से।
किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। बाल विवाह की ये बुराई कह लीजिए आप लोग जो भी कहना हो। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें आप देखते हैं अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे, आप लोग बताइए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यही आप देखते हैं कि आपके गृह मंत्री भी थे, ठीक है। और आप जानते हैं कि विभिन्न आपके यहाँ आप कह सकते हैं प्रांत रियासतें हुआ करती थी, उन्हें एक करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को याद रखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, शब्दों का संशोधन किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये शब्द कई बार आपको क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछ लेता है, और भी वैसे आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति करना चाहे तो राष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संविधानों के प्रावधानों के अंतर्गत संविधानिक संगठन संस्था है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत थे, ये वर्तमान को याद रखिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में। भारतीय संविधान के अंग यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत किसे माना जाता है? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 368 में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किसका था? CEM जोड़ का, ठीक है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना उपस्थित हो उल्लेखित करती है? 257, 257, ठीक है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। क्योंकि आपने देखा है कि इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से बहुत बड़ा एक तरह से संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी हट जाती है, फिर आती है जनता पार्टी, तो उसमें आप देखते हैं कि गठबंधन की सरकार थी, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 42वें द्वारा बदला गया था उसे ही बदलकर 44वां संविधान संशोधन द्वारा 5 साल कर दिया गया था, ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? यह स्वर सिंह समिति। कौन सी? स्वर सिंह समिति। देखिए मूल कर्तव्यों का यही कहना है सीधा सा मतलब कि आप देखिए कि आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपके पास कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए, जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए, समझ रहे हैं। एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आप पर भरोसा करता है तो उस भरोसे को बनाए रखना आपका कर्तव्य है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार ही, ठीक है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? ए है 36वां, 1975 की बात है। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा? यह बता चुका हूँ, संविधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आप लोग जानते हैं इसलिए कि 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने,
सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? अनुच्छेद 75 की, माफ करिए, एक केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था सहकारी आयोग, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। लेकिन आप देखते हैं कि 20 और 21 को नहीं आप लोग कर पाते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 का। योजना आयोग का गठन का कब हुआ था? 1950 में मंत्रिमंडल के निर्णय से, लेकिन इसे अब हटा दिया गया है, इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? प्रांतों की विधानसभाओं से ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आप जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में गांधी जी यहीं गए हुए थे। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 का में आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन है, 1985 में हुआ था। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आप जानते होंगे, याद रखिए इसे भी। लोक 52वां 1985। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर आप लोग 25 साल के हो चुके हैं तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों की परिसीमन के आधार पर किस जनगणना को सुनिश्चित किया गया है? सन 2001 की जनगणना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार जो है ये बाध्योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व बाध्योग्य नहीं है। अगर आप राज्य सरकारें चाहें तो आपको फायदा दे सकती हैं, और राज्य सरकारें ना चाहें तो नहीं दे सकती हैं। और लेकिन आप देखते हैं कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं अपनी। इसमें अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता में? लेकिन आप देखते हैं कि भारत की जनता कब तक के लिए होती है? बस वोट देने तक, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं नेताओं को कहाँ मुँह घालना है, क्या करना है उनका। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता है? ये एकल नागरिकता है, और आप देखते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा है तो उन्हीं से ली गई है। और अमेरिका में देखेंगे आप लोग कि दो तरह की नागरिकता होती है, राज्यों की यानी कि स्टेट की अपनी नागरिकता होती है। और आप समझ सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश MP से आप लोग आते हैं तो आप लोग मध्य प्रदेश के निवासी कहलाएंगे, ना कि नागरिक, ठीक है। किस भारतीय संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, अभी तक एक बार ही किया गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी आप लोगों से पीछे पूछा था, गूगल पर आप लोग सर्च करिए, नीचे लिखिए, लास्ट में बता देंगे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाला कौन है? राष्ट्रपति ही। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? ये जुलाई 1947 की बात है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। संविधान के अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ये आपका देखते हैं आप लोग, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राज्यों में लगाया जाता है ना, उसी की बात की जा रही है, आर्टिकल 356। और आर्टिकल 352 आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। आर्टिकल 360 आप देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल की बात करता है, ठीक है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र में मिलाया गया था? 1961-62 में, ठीक है। फिर आप देखेंगे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? सोवियत संघ के संविधान से। नीति निर्देशक आप
अलग हैं। देखिए सोवियत संघ के संविधान से आपके मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक हैं जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी साय का। इस कथन को जरूर याद रखिए। कई बार क्या होता है कि सिविल सर्विस में स्टेट पीसीएस में आपका कथन दे देता है और आपको नीचे चार ऑप्शन दे देगा कि एक कथन किसका है, तो केटी साय का है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें जो सुविधाओं देने की बात की गई है ये राज्य सरकारें चाहें तो दे सकती हैं, यानी कि बैंक चाहे तो उस एक तरह से चेक को भुंजा सकता है और उसका मन है। सीधी सी बात, अनुच्छेद 368 के संशोधन के हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं है, लेकिन ठीक है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए? यानी कि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर 35 साल के आप लोग हो चुके हैं तो खुशी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता घोषित होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं राष्ट्रपति की बात आती है तो इसमें आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और आपकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचित किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के, और केंद्र में अगर आप जाओगे तो राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? 2 बार कम से कम। भारत में वह मंत्री जी संसद के दोनों सदनों में किसी किसी एक का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय के बाद पद से मुक्त हो जाएगा? तो 6 महीने तक। सीधी सी कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य नहीं है तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आप लोगों को लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य होना पड़ेगा। और लोकसभा में आप जानते हैं कि डायरेक्ट जनता चुनती है सदस्य बनने के लिए, आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। राज्यसभा में आप देखते हैं किसमें, आपको जो विधायक हैं वही चुनते हैं आपके, ठीक है। और इसीलिए आप लोग देखते भी होंगे कि अभी उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री बनाए गए थे महाराष्ट्र के, वो ना तो आपके विधानसभा के सदस्य थे ना विधान परिषद के सदस्य थे, ठीक है, फिर भी आपने देखा मुख्यमंत्री बने। ममता बनर्जी को ले लीजिए, चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अब 6 महीने के अंदर क्या होगा कि वो चुनाव लड़ लेंगी या तो विधान परिषद से या विधानसभा से। महाराष्ट्र में वैसे आपकी विधान परिषद है लेकिन आप देखते हैं कि आपकी पश्चिम बंगाल में नहीं है तो वो किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लेंगी खाली करवा के, ठीक है। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश का। लोकसभा में देखेंगे आप लोग 80 सीटें देखने को मिलेंगी, 31 सीटें आपकी राज्यसभा में देखने को मिलेंगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि जिसने अगर उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने दिल्ली की गद्दी एक तरह से अपने हाथ में आने की 50% चांस आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की गद्दी की जो रास्ता होता है वो आपका उत्तर प्रदेश से ही निकलता है, ठीक है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत सरकार का जो महान्यायवादी है जिसे आप लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? ये आपकी 7वीं अनुसूची है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, 31 सीटें। आप अपने अपने राज्यों की बता सकते हैं नीचे, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ना कि सभी सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, याद रखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? तो आर्टिकल 149। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? 149 आर्टिकल। मुझे लगता है कि आप देखेंगे MPPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था ये, क्योंकि मैंने आपके क्वेश्चन से लगवाए थे ना पुराने क्वेश्चन पेपर, उसमें देखा था, याद है थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर आयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो ये 10वीं अनुसूची जो आप देखते हैं 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों
कि मत और संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत में आपस में बराबर हों और यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य होता है कि मतदान में वरीयता क्रम कि आप लोगों के पास अगर मत है तो आप लोग एक तरह एक दो तीन चार पहले नंबर पर किसे देना चाहेंगे, इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे पांडिचेरी के या पुडुचेरी के प्रशासक को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं यानी कि निर्धारित की गई हैं, तो लोकसभा में आप देखेंगे 40 हैं और राज्यसभा में 16 हैं। यानी कि आप समझिए कि लोकसभा अगर में 40 सीटें हो गई, उत्तर प्रदेश में आपकी 80 हो गई, 120 हो गई, यानी कि आपने आधा चुनाव तो जीतते ही लिया है, इन दो राज्यों को संभाल लिया। और आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश से इतने मुख्य प्रधानमंत्री दिए गए, फिर भी आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। आप देखिए राष्ट्रपति के पास अपनी कोई शक्ति ज़्यादा होती नहीं है, उसे हर बात को करने के लिए आप देखिए मंत्रिपरिषद की सलाह चाहिए होती है। और आप सभी जानते हैं कि केंद्र में जिसकी सत्ता होती है वही तो राष्ट्रपति को चुनता है, तो आप समझिए उसका तो दबाव रहना होगा, वो निष्पक्ष रूप से थोड़ी फैसले ले पाएगा। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक को कितने बयान होते हैं, 3। एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले आप देखेंगे राज्यसभा या लोकसभा में प्रस्ताव कोई आता है तो उसे विधेयक कहते हैं, और इस पर जैसे ही आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की सहमति मिलती है दोनों से पास होने के बाद, तो आपका अधिनियम बन जाता है या संशोधन पूर्व हो जाता है। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है, तो प्रत्येक 5 साल में आप देखते रहते हैं। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी उस समय, 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को शामिल किया गया है, भाग 3 में आप देखते हैं। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से इस उल्लेख नहीं किया गया है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में आपका अंतर्निहित है, अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता आप लोग देखते रहते हैं, 19(1) का में। ठीक है, तो याद रखिए ये क्वेश्चंस भी कई बार बन चुका है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन इस अधिवेशन को बुलाता कौन है, याद रखिए बुलाता है आपका राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और आपको मालूम होगा कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य को ही बनता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा किस प्रकार का अधिकार है, केवल सिफारिश का। एक तरह से आप ऐसा ले सकते हैं कि आप घर में कमाने वाले नहीं हैं, तो आपसे पिताजी ने बोला कि ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको हाँ ही मिलाना पड़ेगा। आप अगर कोई सिफारिश देते हैं तो उनके मन पर डिपेंड करेगा कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास ज़्यादा कुछ शक्ति नहीं होती है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है, परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25। आपने देखा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होने के बाद दोनों को अब मिल चुका है, टोटल 25 हो चुके हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको बता दूं इनमें बदलते रहते हैं, कभी आप देखते हैं होते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो अभी आप याद रखिए कि 28 तो आपके राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आपने देखा जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। लेकिन एक बात याद रखिए, जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया है, तो कैबिनेट मिशन योजना के। अगला है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 5वीं और 6वीं में, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची आपकी इसी से संबंधित है। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान के सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, तो ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को, मौलिक अधिकारों को।
ठीक है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया, तो ये 1909 का था अधिनियम, ठीक है। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य हुआ करता जिसे आप लोग डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। आप देखते हैं कि शुरू में गांधी जी इसी का मांग किया करते थे सभी नेता उस समय। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति से उसे अनुमति लेनी होगी। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई, तो आपका ये था 42वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया था, कानूनी अधिकार है अब। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है, जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि कौन सी है, संविधान। आप देखते हैं कि किसी को प्रधानमंत्री में भरोसा हो या ना हो, लेकिन आप देखते हैं सभी कहते हैं हमें संविधान में भरोसा है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, ये अनुच्छेद 39A में, यानी कि कहने का मतलब है आपका जो नीति निर्देशक तत्व है उसी में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है, कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, यह इस बीच संसद का एक प्रस्ताव उस पर अपनी स्वीकृति ना दे, 6 सप्ताह के। आपको बताऊं कि आर्टिकल 123 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 1, 2, 3 इसके तहत राष्ट्रपति क्या होता है कि कभी भी कोई अध्यादेश ले आ सकता है, कानून ले आ सकता है, जिसे आप लोग अध्यादेश के नाम से जानते हैं। और याद रखिए इसमें उतनी ही शक्ति होगी जितनी कि आप देखते हैं कि जो नॉर्मल तरीके से बनता है। लेकिन याद क्या होता है कि जब कोई संसद सत्र चलने लगते हैं तो 6 सप्ताह के भीतर उसे पास करवाना होता है, अगर पास नहीं होता है तो वो खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है, तो आर्टिकल 40। इस आर्टिकल 40 को आप लोग याद रखिए, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया, तो एक किप्स प्रस्ताव था 1942 का। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी, इन्हें भी याद रखें। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जेबी किपलानी। एक क्वेश्चन से भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक, तो एक KCBR का, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में देखने को मिलेगा, ये आपको फिलीपींस में मनीला शहर में देखने को मिलेगा। बियर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है, काले धन की निकासी से। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है, मौद्रिक नीति से। हेलो, इसी में आपका उन्होंने अर्थव्यवस्था भी लगा दी, चलिए छोड़िए। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1952 में। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है, यह अवधारणा है जो किसी शेयर की को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है, इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाति धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान था, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे आप लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछ लिया है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है, बढ़े थे 263। अगला क्वेश्चन है सरकारी उपक्रम समिति यानी कि वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें से लोकसभा में आप देखेंगे लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से आपके 7 होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको बता दूं 1949 में तो आपके राजस्थान की हुई थी और 1866 में आपके इलाहाबाद की हुई थी, उत्तर प्रदेश का है ना। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर किए गए हैं, तो 39वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ये बता चुका हूँ अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, राज्य सूची, क्योंकि आप देखते हैं राज्य सूची पर राज्य ही कानून बनाते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि जब राज्यसभा सिफारिश करे तो आपकी राष्ट्रपति भी काम कर सकते हैं, या आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो वहाँ आप देखते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति शासन हो। संविधान में सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी, गुजरात में। गुजरात देखते हैं आप लोग जहाँ से आपके प्रधानमंत्री आते हैं और गृह मंत्री दोनों आते हैं,
42वां संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51 का में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत की संप्रभुता किस में नहीं थे? भारत की जनता में। विश्व की एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए, नेपाल है। देखिए अगर आप कहिए कि उदाहरण दे दिया करिएगा, अगर हिंदू राष्ट्र बनने से अगर खुशहाली आती होती तो नेपाल में होती, सभी मिलजुल के रहा करना चाहिए। भारत की प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, ये भारत का एक तरह से वकील है भारत सरकार का। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए आप देखते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संविधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा, 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक होती हैं? ये 10%, यानी कि किसी पार्टी के पास 10% सीटें हैं तो वो विपक्ष का नेता बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन पर आरंभ हुई थी? तो याद रखिए ये था 9 दिसंबर 1946 का समय था, 9 दिसंबर 1946 का। और संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, और 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इस पर आप लोगों को जितने स्टार लगाना हो लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवासों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये थे फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति के अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार, क्योंकि आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया था? तो 1976 में इसमें। और किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था। ठीक है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो ये थे बेबी गिरी साहब। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप देखेंगे वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 360। लेकिन याद रखिए अभी तक हमारे देश में कभी भी नहीं लगाया गया है, और ऊपर वाले से दुआ करिए कि ना कभी लगाया जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत बुरी स्थिति होगी। भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन आप सभी जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 2 अक्टूबर 1959 को। किस स्थान पर किया गया था? ए जागरूक थी नागौर राजस्थान। ये क्वेश्चन भी आप लोग देखिए कई बार पूछा जा चुका है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 भाग, याद रखिए, और तभी आप देखते हैं कि बैठक होती है कि 1/10 भाग चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन एवं पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य के गठन और तथा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति साहब करते हैं। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति साहब में, प्रेसिडेंट साहब में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है, तो ये 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहता है? तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है, ये 60 दिनों की अवधि दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ भेजते हैं, जैसे आप देख लीजिए दिल्ली को देख लीजिए, या फिर आप देखिए अब जम्मू कश्मीर होगा तो जम्मू कश्मीर को देख लेना। केंद्र सरकार का संविधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति साहब होते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। अगर आप समझिए कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट।
देसी नरेशों की प्रिवी परसों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन। लेकिन आप देखते हैं कि वीआईपी व्यवस्था अभी भी बनी हुई है। आप देखिए कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज भी आप देखते हैं व्यवस्था बनी हुई है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। इसे भी याद रखिए, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का प्रस्ताव अधिकार का प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। संविधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाली व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि आप जानते हैं कि जाकिर हुसैन साहब की डेथ ही हो गई थी उनके कार्यकाल के दौरान ही। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आर्टिकल 32 को, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243, यानी कि 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ग की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 की। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था? तो 1987 की बात है, ठीक है, 1987। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को आप लोग क्या कहते हैं? महापौर आप लोग जानते हैं अगर रहते होंगे तो। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 थे, याद रखिए, 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के। और अभी गृह मंत्री आपके कौन है आप लोग बताइए, मैं नहीं बता। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? शुरू की बात की जा रही है। अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां 8 थी। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भागों में, ठीक है, क्योंकि नए नए भाग जुड़ते रहते हैं, समझ रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, इन दोनों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो 14 वर्ष से। याद रखिए, आर्टिकल 24 में ये व्यवस्था की गई है, मौलिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। याद रखिए, भारतीय बात कर रहा हूँ। यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्हें आप लोग संविधान का पिता भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था। आपको बता दूं, पहले वोट देने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 कर दी गई है। अब आप देखते हैं कि आपकी 18 वर्ष हो जाती है तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है और आप फिर देखते हैं कि सरपंच चुन सकते हैं, विधायक और लोकसभा सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123। आप लोग राज्यपाल की बताइएगा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है? और इसी आर्टिकल से आप लोग निकाल भी सकते हैं, निकालिए। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के किसी अंतर्गत अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकती है? तो इस सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पीछे आपसे क्वेश्चंस भी पूछा था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 में। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, 6 मौलिक। आप देखिए, मूल संविधान में कितने थे? 7।
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार की रिट या लेख जारी कर सकता है, तो ये 5 तरह की, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 16 में, आर्टिकल 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ही बताते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन ये बता चुका हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को और नागौर राजस्थान में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया था, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था, तो राजीव गांधी साहब के, ठीक है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और अच्छे प्रधानमंत्री रहे। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है, तो आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बेबी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो याद रखिए अनुच्छेद जुड़ते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान ना दीजिए, 12 अनुसूचियां जरूर हैं, ठीक है। संविधान की प्रस्तावनाओं में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए, एक तो पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, दूसरा समाजवादी और तीसरा अखंडता। इन शब्दों को आप लोग रट लीजिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार ही अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, उसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे, ये 389 की बात की गई थी। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना की। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये है 18 जुलाई 1947। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की। किसकी, लेबर पार्टी की, जब हमें आज़ादी मिली उस समय की बात करें। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, भारत इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन याद रखिए वोट नहीं कर सकता है क्योंकि उसका सदस्य नहीं होता है वो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1946 था। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता को समाप्त करने की बात की गई है, पहले भी देख चुके हैं अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है, और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 131। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा, और कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आरक्षण से संबंधित, 79वां, ठीक है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था, संविधान सभा ने, और याद रखिए इसीलिए आप देखते हैं कि 12 साल रहे हैं वो, और आप देखिए कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, 2 बार रहे हैं तो 10 साल होना चाहिए, लेकिन पहली बार वो मनोनीत किए गए थे, ठीक है, चुने नहीं गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है, प्रस्तावना में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई है, तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस समिति को याद रखिए, इनसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के अनुच्छेद 72(1)(ग) की
व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। देखिए, मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसीलिए आपने देखा है कि निर्भया के दोषियों को आपने देखा है कि उन्होंने भी एक तरह से ये कई बार राष्ट्रपति के पास भेजा, लेकिन राष्ट्रपति साहब ने एक तरह से रिजेक्ट कर दी थी उनके मृत्यु दंड को, क्योंकि गलत किया था। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष या सभापति का। ठीक है, जो भी जिस राज्यसभा से है तो सभापति का, और आपका लोकसभा से है तो लोकसभा अध्यक्ष का। भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल हुई है? तो संवर्ती सूची की बात की जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? पांचवी और छठवीं में। ठीक है, भारतीय संविधान में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य को भारत का प्रांत माना था? सातवां संविधान संशोधन था। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन आदि के बराबर होता है? तो उच्चतम न्यायालय के। देश में केवल दो संघराज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघराज क्षेत्र आपके दिल्ली पुडुचेरी है, लेकिन अभी आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा होगी, लेकिन अभी तक चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामित करता था? मात्र दो। ये 2019 के पहले की बात की जा रही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार और बलाश्रम को एक तरह से पीति रोका रोकने की बात की गई है? आर्टिकल 23 यानी कि अनुच्छेद 23। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य? भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, गणतंत्र। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वंश के आधार पर नहीं चलेगा कि गांधी का गांधी, गांधी का गांधी, ऐसा नहीं। आप देखते हैं कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी कुछ है। ठीक है, जनता जैसे चाहेगी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 124। याद रखिए, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के संबंध में किया जाता है, लेकिन आप दे देते हैं कई बार ऐसा। चलिए छोड़िए, 124 में आप देखते हैं। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से, क्योंकि आपने देखा है ब्रिटेन ने बहुत समय तक हमारे ऊपर राज किया। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका पृथक संविधान था। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1957 की बात थी, लेकिन 2019 में सब कुछ खत्म कर दिया गया। अब वो सभी प्रावधान आपके लागू होंगे जो बाकी राज्यों में होते थे। ठीक है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति क्या है? एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। और याद रखिए, आर्टिकल 21 से आपके क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं, और सिविल सर्विस में भी, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आया था। क्या पूछा था? कि जो लव मैरिज की बात होती है, मन अपनी मन से शादी करने की, ये आर्टिकल किस आर्टिकल में आपको स्वतंत्रता मिली हुई है? तो आर्टिकल 21 में। शिक्षा का अधिकार भी आप देखते हैं कि आर्टिकल 21 का में दिया गया है, तो ये भी याद रखिए। अगला है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? सातवां संविधान संशोधन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। ठीक है, किस सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों और कार्रवाइयों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निंदा प्रस्ताव, यानी कि आलोचना करने वाले। किसी पक्ष को कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिकार पेक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15 में, जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं, अनुच्छेद 315। संविधान में 11वीं अनुसूची में पंचायती संस्थाओं में सम्मिलित विषय की संख्या 29 है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। किस संविधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वें संविधान संशोधन, राय मानने के लिए बाध्य होगा। यहीं से आपको मालूम चल जाता है कि राष्ट्रपति साहब के पास कितनी शक्ति है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ये September 1946 की बात है, September 1946। संविधान सभा
में कितने प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? 7 प्रांत के। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार, बात कर चुके हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता है, ये दुर्गा बसु ने कहा था। ठीक है, दुर्गादास बसु ने। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता था? 2। इन्हें हटाने की बात की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष हो जाती है तो वो हट जाते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री का मतदान का अधिकार नहीं होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जब संसद का सदस्य नहीं होगा तो कैसे दे पाएगा? राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति के। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी का। आप समझिए कि एक बार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार चुके थे और दूसरी बार आप देखें कि निर्विरोध चुने गए थे। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो वहाँ मतदान कर सकता है, वोट दे सकता है, अगर नहीं है तो नहीं दे सकता है। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्यों को हो सकते हैं? तो संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, वैसे आपको बताऊं कि 15% से कम की बात की गई है कि 15% तक आप देखेंगे, अधिकतम 15% एक तरह से मंत्री बनाए जा सकते हैं और सब कम से कम 12 मंत्री होना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संविधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब चाहे हटा सकता है उसे। प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संविधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल। ठीक है, राज्यों की बात की जा रही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों की। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? आर्टिकल 32। यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, कोई आपके बोलने पर पाबंदी लगाता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके न्यायालय आपकी मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो ये संविधान का भाग 4 का देखते हैं ना, ए उसी में है आपका। किस रेट का शाब्दिक अर्थ है? व्हाट इज योर अथॉरिटी, तो ये है आपका क्वो वारंटो का। ठीक है, राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? ये 14 वर्ष तक की बात की गई है। अब तो मौलिक अधिकार में भी आप देखते हैं गया है आर्टिकल 21 का में। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, नीलम संजीव रेड्डी, तो ये भी आप लोग याद रखें। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? संविधान में इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 जनवरी 1992 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक को लोकसभा में ही एक तरह से आपका प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिए। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कालसूची में पहला विषय कौन सा है? प्रश्न निकाल। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में जोड़ा गया था? ये 29वां संविधान संशोधन था। किस अनुसूची के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट की बात की गई है? आर्टिकल 27 के तहत। 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता थी? तो ये बता चुका हूँ, 14 दल थे। कितने? 14। संविधान सभा ने प्रारूप समिति पर अनुच्छेद वार विचार व्यवस्था करना कब से आरंभ किया था? प्रारंभ 15 नवंबर 1948 से। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियाँ रखी गई थी और जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये 3 थी। सर्वप्रथम राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को
की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 13 दिसंबर 1971 को की गई थी, इनको याद रखिए। फिर आप देखते हैं कि 1975 से 77 तक लगा था इंदिरा गांधी के, 3 बार लगा। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, अभी तक नहीं की गई है, आर्टिकल 360 में, अनुच्छेद 360 में आपकी दी गई है व्यवस्था, लेकिन अभी तक लगा नहीं है, ना लगे, यही कई मतलब भगवान से दुआ करिए। जब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाता है, 2 माह के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसमें आप देख सकते हैं राज्यसभा लोकसभा होंगे। ये अनुच्छेद 79 में ये सभी बातें कही गई हैं, किसमें 79 अनुच्छेद, आर्टिकल 79 यानी कि अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर हुआ भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 135 में एक बात की गई है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा, तो 80वें संविधान संशोधन द्वारा 2000 में, ठीक है, ये अप्रैल 1996 से लागू करने की बात की गई थी। ये बढ़ता रहता है घटता रहता है, इस पर ध्यान जाना मत दीजिए, करेंट से जुड़ा रहा करना इसके लिए, ठीक है। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र से सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया, तो महान्यायवादी को। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 24 जनवरी 1950 की बात है, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। आप देखते हैं विभिन्न पद इसी दिन से शुरू हुए थे। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करता है तो उसकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जब आपने किसी अन्य देश की धारण कर ली है तो आपकी स्वतः खत्म होनी चाहिए। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 19 के द्वारा, ठीक है। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, माफ करिए, धन विधेयक पर राज्यसभा के पास कितनी शक्ति होती है, ये होना चाहिए, खैर छोड़िए, राष्ट्रपति के बारे में यहाँ आना चाहिए था इसे। तो याद रखिए केवल सिफारिश अधिकार होता है राज्यसभा के पास, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई अधिकार ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, पीछे भी बात की थी। भारत की किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, तो याद रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को बनाया जा रहा था तो लोग कह रहे थे कि 2 राष्ट्रपति मुस्लिम हुए, 2 निपट गए, अब इनका नंबर है। तो याद रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अहमद अली अहमद। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान कौन है होता है, मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल, तो राज्यपाल। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं, तो इसे विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं, ठीक है। उच्च निम्न सदन है विधानसभा और विधान परिषद उच्च सदन। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, राष्ट्रपति के। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार रहते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है, तो सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था, तो ये थे PK चन्मुखम सेट्टी, या इन्हें सरमुखम सेट्टी भी, चेट्टी सेट्टी कह देते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव सलाहकार अगर पूछे तो राय राव, ठीक है, इन्हें किसी भी तरह से आप लोग याद रखिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित करता है, सर्वोच्च न्यायालय, ये बता चुका हूँ। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को, इसे किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं कर सकते।
किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपने पसंद का वकील करने का संविधानिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावनाओं में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में, कि आपको सामाजिक रूप में न्याय मिलना चाहिए आर्थिक और राजनीतिक में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 9। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का राजभाषा की बात की जा रही है, लेकिन आपको बता दूं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, उन्हें जरूर याद रखिए। आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? ये आर्टिकल 243 यानी कि अनुच्छेद 243 ने कहा था। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? आर्टिकल 368। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में, इसमें कोई नहीं है, लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? एक केशवानंद भारती मामला था 1973 का, और आपने देखा है कुछ समय पहले केशवानंद भारती साहब की डेथ हुई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम है? भारत, इंडिया। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था? तो याद रखिए पंजाब में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप देख रहे हैं कि वोट की पावर उन्होंने दी थी, आप लोग उन्हें ही गाली देते रहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक राज्य अधिराज्य के रूप में। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? पहले भी बता चुका हूँ, लेबर पार्टी की, और इस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, इनको प्रधानमंत्री को भी याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। संविधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? सदन के किसी भी सदन में, पहले भी बात कर चुका हूँ, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी। संसद में सभी प्रकार के संविधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती है। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर सकते थे? तो ये बीबी गिरी साहब थे, इन्हें एक बार की जनगणना में इनकी पूर्ति नहीं हुई थी, इन्हें दूसरा भी। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किस से वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, ठीक है, जिसकी सरकार है। संविधान के किस भाग में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? अब तक कभी नहीं की गई है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों में सही क्रम है, कैबिनेट मंत्री आते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाक घर संशोधन अधिनियम में। आप लोग बताइए, क्या संविधान में उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है? कहीं उल्लेख किया गया है? आप लोग बताइएगा नीचे। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है? संसद या विधानसभा। राज्य में विधानसभा और लोकसभा में, वहां आप देखेंगे केंद्र में संसद। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोकलेखा समिति सबसे पुरानी है, ओल्ड। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ दिलाता है? कोई नहीं, याद रखिए कोई नहीं दिलाता है। लोकसभा के सदस्यों की को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण करवाते हैं, जिसे आप लोग प्रोटेम स्पीकर भी कह देते हैं। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उस विधेयक पर कार्रवाई होनी चाहिए? कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान किया गया था? 1969 में, जब आपने देखा होगा बी वी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे।
20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने, क्योंकि राष्ट्रपति थे ही नहीं उस समय। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? अपने विवेक पर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उन्हें एक तरह से भरोसा होना चाहिए कि ये व्यक्ति आवश्यक बहुमत जुटा सकता है। ठीक है, सामूहिक सबसे एक तो सबसे यही रहता है नॉर्मल तरीका कि सबसे ज़्यादा जिसके पास सदस्य हैं वही उसी को बुलाइए, फिर दूसरे नंबर को बुलाइए, तीसरे नंबर को बुलाइए। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा की। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में द्वि सदनात्मक विधानसभा है? माफ करिए, विधानमंडल। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है और आंध्र प्रदेश में है। ये आप लोग, और तेलंगाना में भी है, क्योंकि आपने देखा है तेलंगाना आपका 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। अभी टोटल 6 में है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी थे, जम्मू कश्मीर से आपने देखा है सब कुछ खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा गया था? कई बार बता चुका हूं, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1978 में हुआ था। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, याद रखिए आपको 2019 में भी आपका एक नागरिकता कानून आया हुआ है जिस पर आपने देखा है भारी बवाल कटा था। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर कितने समय के लिए रह सकता है? अधिक से अधिक आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आप देखते हैं कि चुनाव हो जाता है, राष्ट्रपति का होना चाहिए। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74(1) में। ठीक है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान के किस सूची में दी गई है? 11। पंचायतों के निर्वाचन में कितने समय में होता है? प्रत्येक 5 साल में। 5 साल के लिए आप सरपंच चुनते हैं ना। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किसकी अवधि पर करता है? 5 साल पर। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? टोटल 31 हैं अभी। ठीक है, शुरू में आपने देखा होगा 7 थे। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 79 एससी के लिए। लक्षद्वीप के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से लड़ सकता है? अधिकतम 2। जैसे आपने देखा होगा कि एक 2014 में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री साहब को बनारस से लड़े थे और चुनाव से एक सीट से लड़े, आपके उत्तर प्रदेश की एक सीट बनारस से और गुजरात से, फिर आपने देखा बनारस की सीट उन्होंने बनाए रखी, गुजरात बड़ोदरा वाली छोड़ दी थी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस समूह को लाया गया? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया जिसकी स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1976 में, माफ करिए 1946 में। संविधान सभा का संविधानिक परामर्श दाता कौन थे? बी एन राव सलाहकार। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधानिक उपचारों का अधिकार 32 जो आर्टिकल है उसे कहा था। किस लेख का शाब्दिक अर्थ होता है भाटी जी और अथॉरिटी? तो अधिकार पेक्षा का। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान की बात की जा रही जब संविधान बना था, 395 और 8 अनुसूचियां। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक है,
दोनों का समन्वय है। भारत भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का, पहले आपको बता चुका हूँ। किस अनुसूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों ही क्षेत्र अधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची। लेकिन याद रखिए, कोई अगर नियम कानून बनता है और दोनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहेगा। नागरिकता के संविधान में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग दो में। किस में? भाग दो में आपका नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए जरूर आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 का था कहाँ की संसद में पारित हुआ था? याद रखिए ब्रिटिश संसद में ही पारित हुआ था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, तो आज़ादी मिलने के लिए कोई अगर अधिनियम पारित होना है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज ही पारित कराएंगे शुरू में। अगला है, कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य कौन कौन से थे? एक तो आपको याद रखना है पैथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड किप्स और ए वी अलेक्जेंडर। याद रखिए कैबिनेट मिशन की बात की जा रही है, इन तीन नाम को आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करने का, ठीक है। आर्टिकल 3 आपका किससे संबंधित है? नए राज्यों के निर्माण से या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में या उनकी सीमाओं में या उनका नाम परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद आर्टिकल 3 के तहत आपका किया जाएगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो याद रखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर, यानी कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, और आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे ये दोनों न्यायालय, ठीक है। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो याद रखिए केंद्रीय सेवा। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा है? संवर्ती सूची, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी राज्य सरकारें भी इस पर कानून बना सकती हैं, कोई योजना ला सकती हैं और आपकी केंद्र सरकार भी। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो याद रखिए 3, एक तो आप जानते हैं बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, ये 3 आपके सत्र होते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं आप लोग? शून्यकाल। क्या कहते हैं? शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिए राज्यपाल में। जिस तरह आप लोग केंद्र में महान्यायवादी देखते हैं ना, उसी तरह आपका महाधिवक्ता राज्यों में कानून, एक तरह से सरकार का कानूनी सलाहकारी होता है, एक तरह से आप कहिए सरकार का वकील। राजमन्नार आयोग जो आप जानते हैं कि 1970 में आया था, इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखिए प्रशासनिक सुधार के लिए। राजमन्नार आयोग आपका प्रशासनिक सुधार के लिए आया था। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखिए अखिल भारतीय सेवा। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो आपको मालूम ही होगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राज्य के न्यायालय की परामर्श थी, ठीक है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? तो याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था, जो आप पंचायत देखते हैं ना, प्रधान साहब सरपंच कहते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा, संविधानिक उपचारों का अधिकार? आप सोचिए कि कितने बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और इसीलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रेट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दे सकता है? तो परम आदेश, ठीक है, याद रखिएगा, या इंग्लिश में मैंडेमस, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? अधिकार पेक्षा। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? ये देखिए जम्मू कश्मीर में था, लेकिन आप जानते हैं कि 370 यहाँ से हटने के बाद स्पेशल दर्जा जो मिला हुआ था वो हटने के बाद अब आप भी जा सकते हैं वहाँ, लेकिन याद रखिए अभी आप लोग कोई खरीद नहीं पाया है, बड़ी अच्छे मतलब कानूनी प्रक्रिया है, समझ रहे हैं, कौन जाएगा वहाँ,
आप लोग जानते हैं कि वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के भागे, सुंदर जगह है, घूमने लायक है, लेकिन आप सोचिए कि जान जान बची तो सब पार है। अगला है आपका, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी, तो आर्टिकल 338। इसे भी याद रखिए, वैसे तो सबको याद रखना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है, तो ये 23वें संविधान संशोधन के द्वारा, 23। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है, तो भारत की संचित निधि। दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है, संसद को। आप देखते हैं कि कई राज्यों में आप देखते हैं कि उच्च न्यायालय एक है और उसके दो राज्यों का काम करता है वो। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो राष्ट्रपति के पास जो विचारार्थ है, यानी कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक है कोई, उस पर। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है, तो राज्यपाल, राज्यों की बात की जा रही है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा राज्यसभा का तुरंत चाहता है, उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है, तारांकित, यानी कि आमने सामने। ठीक है, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, तो 205 208, यानी कि 208। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे, मंत्रिपरिषद। किस सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, संवर्ती सूची के। लेकिन जैसा कि आपको बताया है कि अगर एक ऐसा कानून बनाते हैं दोनों में मतभेद आता है, तो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। अगला है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के लिए निवास प्रमाण पत्र देना होगा, 5 वर्ष का। अगला है, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहते हैं, तो याद रखिए नीति निर्देशक तथ्यों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है, यह समय होता है प्रश्नकाल। ठीक है, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ, तो यह था 24वां। कौन सा, 24वां। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, तो याद रखिए प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों से। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है, किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से। ठीक है, संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो आर्टिकल 352 में। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं, शून्यकाल। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है, देखिए संसद यानी कि राज्यसभा हो आपका, या फिर लोकसभा हो, या फिर आप देखिए राज्य विधानमंडल, जिसमें राज्य आपका जो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव करवाता है जो आपका राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है। ठीक है, और जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं वो करवाता है कौन, आपके जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यानी कि आप समझिए कुछ भी काम करना है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी हो जाती है। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, एक को। ठीक है, एंग्लो इंडियन, या आप समझिए कि इसे खत्म करने की बात भी की जा रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने,
पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी। इसकी भी तैयारी आप देखते होंगे कि आप लोग करते होंगे, BDO भी कह देते हैं कोई। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा की गई है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत में। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसके पास है? वह राज्यसभा के पास, ठीक है, एक स्पेशल शक्ति है राज्यसभा के पास। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निश्चित एवं स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका प्रारंभिक अधिकार है, ठीक है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, लेकिन सभी को नहीं, ठीक है, याद रखिए। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए आपने देखा होगा कुछ समय पहले आपकी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की थी और मध्य प्रदेश की भी, कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिए शुरू की बात की जा रही, तो 395 और 8 अनुसूचियां थी आपकी जब संविधान लागू हुआ था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति साहब की। अगला है, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय या नहीं है? हैं या नहीं, परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में हो सकता है? तो याद रखिए या तो युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थितियों में हो सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। महाभियोग शब्द का केवल देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, इसका संविधान में उल्लेख भी किया गया है, बाकी में नहीं किया गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आपसे पीछे क्वेश्चन भी मैंने पूछा था, आर्टिकल 213। और राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की है? 123 यानी कि 123 आर्टिकल के तहत। इसे उल्टा कर दीजिए आप लोग, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी कि माफ करिए राज्यपाल का हो जाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं जिसमें आप देखते हैं राष्ट्रपति साहब और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 78 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 42। और देखिए बदलती रहती हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, जब करंट पे जा रहे हो करंट मतलब पेपर देने, उस समय आप लोग करंट पे जरूर पढ़ते हैं, देख लिया करिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो आर्टिकल 24। संविधान में उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है, यानी कि हमारा देश अब स्वतंत्र है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और 1947 के पहले आप जाते तो आप जानते हैं अंग्रेजों के अधीन थे हम लोग। अगला है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या सौंपा था? तो याद रखिए वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करें और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें, ये कहा था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत राजनीतिक दर्जा क्या था? डोमिनियन स्टेट, जिसे आप लोग ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक उपनिवेशिक राज्य कह सकते हैं, हमारे पूरे पास एक तरह से पूरी शक्ति नहीं थी, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतरिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो यह आपका वित्त आयोग। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो 20 फरवरी 1947 को। और ये रह भी नहीं पाते, आपने देखा है कि किस तरह से बवाल कटने लगा था, इन्हें जाना ही पड़ता था, इसलिए खुद अपने मर्जी से चले गए। किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार है? आर्टिकल 3 के। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? पुंडुचेरी,
पुडुचेरी और दिल्ली। याद रखिए, अब आपका जब आपका जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा तो वहाँ के सदस्य भी शामिल हो पाएंगे। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 साल के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ये हो दो बाह्य आक्रमण या फिर सशक्त विद्रोह हो जाए, ठीक है, इन तीन आधारों पर। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक होता है? कोई समय सीमा नहीं दी गई इसमें, इसलिए आप देखते हैं विवाद बना रहता है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मनोनीत किए गए थे पहले, ठीक है, इनका चुनाव नहीं हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है निहित? राष्ट्रपति साहब में, और राज्य की राज्यपाल में। कहने के लिए होती है, वास्तविक शक्ति आप देखेंगे किसके पास होती है? मंत्री परिषद के। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जन्म संग्रह की व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए, किसी भी सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी किया जा सकता है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारतीवाद में, ये 1973 का केस है। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब। किस राज्य के विधान को प्रारंभ में सदर ए रियासत कहा जाता था? तो आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर। विभिन्न मंत्रालयों विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर सांविधिक सलाह ले सकता है? तो 143 आर्टिकल 143 के अंतर्गत। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया? एक बार, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। देखिए, याद रखिए, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। स्थायी सदन है राज्यसभा, ठीक है, 1/3 सदस्य आप देखते हैं कि हर 2 साल में आपके बदलते रहते हैं। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी कर सकती है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। और इसीलिए आप देख लेते हैं कि 3 कानून आए हुए हैं, कृषि कानून, उस पर भारी बवाल कट रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने उस पर कानून बनाए हैं और कहा जा रहा है कि राज्यों का वैसा है, फिर केंद्र कैसे कानून बना रही है। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 63 में, 6(3) में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आर्टिकल 360। अभी तक कभी नहीं लगाया गया। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है आपको? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान शामिल है? 10वीं अनुसूची में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो याद रखिए, 44वें
संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन याद रखिए उसी तरह का भेजा जाता है एक तरह से पुनर्विचार के, लेकिन मंत्रिपरिषद बिना बदलाव किए उसे भेज देता है राष्ट्रपति के पास दोबारा, तो उसे पास करना उनकी उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे, सबसे लंबे समय तक वही रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का पर्यवेक्षण करके संविधान के विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। याद रखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मिला है? आर्टिकल 14। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो जो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसी के सामने, ठीक है। और राष्ट्रपति के मामले में आप देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो देश का है सुप्रीम कोर्ट का, उसके राज्य के निम्न सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा। और केंद्र के लोकसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। अधिक से अधिक आप देखते हैं कि 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 होनी चाहिए, लेकिन कई राज्यों में आपको अपवाद भी सबसे कम में अपवाद भी देखने को मिलेगा, 60 से भी कम देखने को मिलेंगे। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? आर्टिकल 51। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मत का समादेश है। समवर्ती सूची में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में, दोनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध, आर्टिकल 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंधन के अधिकार से, आर्टिकल 30 की बात कर रहा हूँ। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का तात्पर्य क्या होता है? तो बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक सत्ता सहायता अनुदान के रूप में मिलती है। देखिए बाकी राज्यों में जिन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है तो उसमें आप देखें कि 90% तो उन्हें एक तरह से ब्याज मुक्त मिलेगा और 10% पर उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। इस तरह से फायदा रहता है स्पेशल राज्य दर्जा मिलने का, इसलिए हर देखते हैं आप लोग कि हर राज्य इसकी मांग करता रहता है विशेष राज्य का दर्जा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन और अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है? तो यह आपका 48A नीति निर्देशक तत्व में, 48A में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया था? तो याद रखिए 44वां संविधान संशोधन, जो आप जानते हैं 1978 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा आपका संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, मौलिक अधिकारों में से हटाया गया था। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख जाता है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है। 24वें संशोधन संविधान संशोधन था 1971 का, ठीक है। इस समय राष्ट्रपति के पास कुछ ज़्यादा शक्ति नहीं रहेगी, उसे अपनी सहमति देनी ही होगी। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20 राज्यों का। आपके 14 तो आपके थे राज्य और 8 माफ करिए 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश में था? पुर्तगालों के। पुर्तगाली आप लोगों ने देखी होगी, इतिहास पढ़ा होगा। तो राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष। अगर आपकी एज 35 हो चुकी है तो आप राज्यपाल बनने के लायक हो गए हैं। यदि किसी राज्य का राज्यपाल दो राज्यों का कार्यभार संभालता है तो उसे दोनों राज्यों के बीच वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति साहब कहते हैं, ठीक है, निर्धारित करते हैं कि कौन कितना देगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत? 213। ये पहले भी बात कर चुका हूँ। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो याद रखिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, और आपका हाई कोर्ट में भी, उच्चतम न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी।
संघीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति साहब, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, हमारी संसद के पास। यदि लोग चुनकर आएंगे योग्य चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान की को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब ने। इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि इस समय के नेताओं की तुलना आप लोग आज़ादी के समय के नेताओं से नहीं कर सकते हैं। इस समय तो आप देखेंगे आपकी लोकसभा हो, विधानसभा हो, इसमें आपके अधिक आधी से अधिक दागी ही देखने को मिलेंगे, जिन पर आपके देखिए हत्याओं के केस चल रहे होंगे, बलात्कार, डकैत, तो आप समझ सकते हैं वो क्या काम करेंगे, वो संविधान की धज्जियां ही उड़ाएंगे। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के। लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर, राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन याद रखिए महाभियोग शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, ठीक है, याद रखिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में और लोकसभा किसी में भी। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन, 6 साल किया गया था। वैसे 5 साल होता था लेकिन 6 साल कर दिया गया था, इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूँ। CCEA, इसका मतलब क्या होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, याद रखिए, इस तरह के आपके बैंकों में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेता है। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था? तो ये था अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग, ठीक है। 1950 में आयोग योजना आयोग गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा। ये संविधानिक संस्था नहीं थी योजना आयोग, ठीक है, जिसे आप देखते हैं कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने जगह ले ली है आपकी। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 280 में आपका वित्त आयोग है और 324 में याद रखिए आपका चुनाव आयोग है। इन दोनों को याद रखिए, वित्त आयोग आपका 280 में है, इनसे आपका क्वेश्चन कई बार आ जाता है। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी साहब। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की बात की थी? तो ये था राज मन्नार समिति। और अगर इसकी सिफारिश मान ली गई होती तो जो आप लोग केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं वो हट जाती। संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, मिजोरम। इसे आप लोग किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विवरण कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे 22 भाषाएं हैं, ये आप लोग याद रखिए। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की जब तक इच्छा करे। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1976 में, 1976 में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 दिसंबर 1946। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक एवं एकात्मक है, देखिए दोनों का समय समन्वय है, ठीक है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है, ये बात संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है? तो आर्टिकल 94, अनुच्छेद 94, ठीक है, आर्टिकल 94। तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है, यानी कि आमने सामने। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या फिर लिखित या फिर अतारांकिक, तो याद रखिए तारांकित के मौखिक मिलते हैं, अतारांकिक के लिखित मिलते हैं। और जब आप सामने रहेंगे तो आप बोल के दे सकते हैं, और जब आप सामने नहीं रहेंगे तो लिखित में दे सकते हैं, ठीक है। भारतीय गणराज्य का संविधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति।
पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से, ठीक है, आने वाले किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 20 में। यानी कि एक व्यक्ति को एक बार ही दंड मिल सकता है किसी का, उसने ऐसा नहीं कि दो बार फांसी दे दीजिए या फिर 20-20 साल करके दो बार सजा दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति साहब की। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली साहब को। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, क्योंकि यह राज्यसभा आपका स्थायी सदन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। एक बार मैं गौतम बुद्ध भगवान की बायोग्राफी कवर कर रहा था, उसमें मैंने बोल दिया था कि बुद्ध साहब, तो कोई बोला कि वो बुद्ध साहब नहीं है, भगवान है। अरे बोल देता हूँ, अब इतना ध्यान मत लगाया करिएगा, पूजनीय है, सम्माननीय है, इसलिए बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सार्वजनिक धन का संरक्षक, संरक्षक किसे माना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रेट जारी करता है? हैबियस कॉर्पस, ठीक है। न्यायालय प्रतिषेध रेट किस उद्देश्य से जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर जाता है तो न्यायालय प्रतिषेध रेट जारी की जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन लिया था? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ठीक है, इसे याद रखिए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा, राज्य में राज्यपाल और विधानसभा देखने को मिलेगी, विधान परिषद ना हो तो चल सकता है। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी की जाती है? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में, ठीक है, इसे याद रखिए। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940, देखिए क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय संविधान स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ हुआ, रूस में नहीं, रूप में। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र के किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत में सर्वोच्च सत्ता किसमें धारक है? भारत की जनता में। आप जानते हैं कि भारत की जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जनता अपनी शक्ति को समझ नहीं पाती है, यानी कि हम जागरूक नहीं हैं। हमारा काम होता है वोट देने तक, उसके बाद हम कहते हैं कि भाड़ में जाए, देश लौटने दो, कुछ भी होने दो। भारतीयों की को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? किप्स प्रस्ताव में 1942 में आया था, एक किप्स प्रस्ताव याद रखिए 1942 में। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6, शुरू में कितनी थी? 7। संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 38 में। गवर्नर जनरल भारत का किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, भारत की जनता द्वारा। राज्य के किन राज्यों का पृथक संविधान है और संविधान किस वर्ष अंगीकार लागू किया गया था? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर का 1957 में लागू किया गया था, लेकिन अब नहीं है, 2019 में सब कुछ खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और आप देखते हैं कि जो स्पेशल दर्जा मिला हुआ था उसे भी रगड़ दिया है, एक तरह से हटा दिया है। अब वो सभी प्रावधान लागू होंगे जो बाकी राज्यों में होते थे। जम्मू कश्मीर में जब पृथक संविधान था
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता था? देखिए, भारत का राष्ट्रपति करता था। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? जब राज्य विधानमंडल का सभा का अवकाश यानी कि छुट्टी चल रही हो। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग है? ऋणों पर ब्याज का भुगतान, यानी कि हमने उधार लिया है उसी का भुगतान। एक अभियुक्त जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया और किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती है। क्योंकि आप देखते हैं सत्र न्यायालय पर कम ही भरोसा एक तरह से, जब तक ऊपर का न्यायालय ना देख ले तब तक नहीं देते हैं, कहीं गलती हो जाए और बेचारा कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाए। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की स्थिति की घोषणा कर सकते हैं जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो उस समय। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर V.N. राव साहब ने। संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन उसको कार्रवाइयों में अधिकार भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। लेकिन याद रखिए, वोट नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। और मृत्यु दंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे दी गई है? केवल राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 गा में या सी में, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निश्चित कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 61। इस आर्टिकल को याद रखिए, ये भी कई बार पूछ लिया है। किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो याद रखिए, पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार उसे सौंप देते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है, तो मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को ले लीजिए, अगर मध्य प्रदेश में नहीं है तो उत्तर प्रदेश का संभाल लेगा, या फिर आप समझिए कि उड़ीसा का, उसका छत्तीसगढ़ का भी संभाल सकता है, समझ रहे हैं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद, क्योंकि आप देखेंगे विधानसभा होगी ही नहीं वहाँ, तो आपका संसद ही करेगा। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त है? ये आर्टिकल 15 और 25 से, ठीक है। यह कथन किसने कहा था कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंकल्प है? एक प्रोफेसर केसी वियर थे, इन्होंने कहा था। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित करता है संसद द्वारा। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे जे वी मावलंकर, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। वर्ष 1961 में राज्यसभा लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। याद रखिए, संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य J.V. किफलानी। इस नाम को भी आप लोग याद रखिए। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है, बात की गई है? आर्टिकल 108(4) में। आर्टिकल 108(4) में यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होता है? तो याद रखिए, मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, भरोसा ही नहीं रहा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्चतम न्यायालय के अधिकारी क्षेत्र में आता है? तो याद रखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय, जो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का है। संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का बात की गई है, यानी कि छुआछूत की बात की गई है, इसे खत्म की अस्पष्टता। बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? मैथिली भाषा को, ठीक है, याद रखिए। भारतीय संसद ने कब अस्पष्टता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो ये 1955 की बात है, 1955 की। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? तो याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में।
राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक उस पर राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? 6 महीने के। 6 महीने के अंदर में आपका चुनाव करवाना होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन वे भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की समेकित निधि से। राज्य की समेकित निधि से, बड़ी खुशी है, देखिए बाजे बज रहे हैं। संघ सूची में 97 विषय शामिल हैं आपके, जिसमें विदेश संबंध, रक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिए संसद के पास, यानी कि केंद्र सरकार के पास। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति साहब द्वारा। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। राज्य के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की जीवन की रक्षा का प्रयास करना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 48 में, आर्टिकल 48 में। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है? कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोतों और भारतीय राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक तांत्रिक में ये प्रस्तावना में बात की गई है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसी की बात कर रहा हूँ। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए? 6 माह के अंदर। याद रखिए आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और आप मंत्री भी बन सकते हैं बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना होगा। रिट शब्द किस भाषा का है? लेटिन का। लेटिन भाषा का रिट है। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था? एम हिदायतुल्ला साहब को। इन्होंने कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में काम किया था कार्यकारी। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उस समय कौन राष्ट्रपति का काम करेगा? तो याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही करेगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 का जो नागरिकता कानून आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ था, आपने देखा कि बहुत बवाल हुआ। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? तो याद रखिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों की अवधारणाओं को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। भाग 4 में यदि संघ सूची और राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची का के विषय को प्रमुखता दी जाती है? संघ सूची के विषय को, ठीक है। अनुच्छेद 143, इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या फिर अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है कोई सलाह देता है तो राष्ट्रपति उसे माने ऐसा नहीं है, मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, राष्ट्रपति की अपनी मन। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के यानी कि कामों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार काम करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल 74(1) में, अनुच्छेद 74(1) में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएँ यानी कि जो अधिकार मिले हुए हैं वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? संसद द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ आदेशों को जारी या रिट जारी किए जा सकते हैं। ये आदेश या रिट कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्पेषण और अधिकार उपेक्षा, 5 तरह की रिट जारी की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद द्वारा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला और विज्ञान और सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो याद रखिए 1/12।
और जो राज्य में देखते हैं आप लोग केंद्र में देखते हैं जो आपका राज्यसभा होती है उसमें आप देखते हैं जो राष्ट्रपति आपका राज्य सभा सदस्यों को मनोनीत करता है वो साहित्य कला और विज्ञान और समाज सेवा से करता है। लेकिन राज्य विधान परिषद में आप देखेंगे राज्यपाल के पास एक और जुड़ जाता है। सहकारी आंदोलन में भी अगर किसी ने भाग लिया है तो भी उसे भी राज्य विधान परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। कुल 101/12 भाग को चुनता है, ठीक है, मनोनीत करता है एक तरह से इन क्षेत्रों से। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय ना किया जाए, भारत के महालेखा परीक्षक का। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में किस आयोग की नियुक्ति करता है और जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है, तो वित्त आयोग। आर्टिकल 280 आप लोगों ने को बताया था ना, उसी की बात कर रहा हूँ। वित्त आयोग यानी पैसे की लेन देन की बात। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है, तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं कि हर 2 साल में निपटते रहते हैं, हटते रहते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। भाग 20 368 आर्टिकल। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 यानी कि 7। किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों या फिर आप कह सकते हैं जो नगर पालिका है इससे निर्वाचित होते हैं? तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1971 में, जिसे आप लोग मिसा के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा कि इस समय लालू यादव को जेल हुई थी, उनकी घर में एक बेटी का नाम जन्म हुआ था, तो उन्होंने नाम ही मिसा भारती रख दिया। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य? ये आपसे करंट वाले पूछ लेता है कई बार, छोड़िए आप लोग। संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्वादमन द्वीप को भारत का अंग बनाया गया था? तो ये 12वां संविधान संशोधन था, 1962 में हुआ था। भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। याद रखिए संविधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950, इसे कई बार बता चुका हूँ, 15 मार्च को। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय के बाद आपने देखा है कि 13वीं आई हो, नहीं आई ना। लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से आर्टिकल 312। जनहित याचिकाओं का कानूनी अधिकार पाया जाता है स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन वॉकआउट का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। यदि ईश्वर अस्पष्टता को सहन करते तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करता, ये किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि भगवान कहाँ छुआछूत करते हैं। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर होता है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक, ठीक है। लोक स्वास्थ्य, सड़कें, पुल,
संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है जो संबंधित है आर्टिकल 342 बा से। संसद का तरफ प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 6 मई 1961 को। एक तो आपने देखा होगा अधिवेशन में दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट आया था 1959, इसके लिए बुलाया गया था और जिसमें विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 106। जम्मू कश्मीर में संविधान लागू कब हुआ था? लेकिन अब हट चुका है तो ये 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, भारत में पंचायती राज्य अधिनियम कब लागू हुआ है? 24 अप्रैल 1994 को। इसीलिए आप देखते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं। सरकारी या कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो आर्टिकल 263 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति के पास आपातकाल के समय में। ठीक है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया है? ये आपका 44वां संविधान संशोधन था 1978। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता यह प्रसिद्ध कथन किसका था? विंसेंट स्मिथ का। याद रखिए, ये कथन भी कई बार दे देता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 12 साल तक लगभग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से, जिसे आप लोग पूर्व सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे, सोवियत संघ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पद से हटाने की बात करता है? 75। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष के वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक मूल अधिकार बनाया है? 86वां संविधान संशोधन। दो ये आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था इसके तहत, ये आप लोग याद रखिए जरूर। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वें, क्योंकि आप देखते हैं कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व होते हैं जिन्हें लागू करने के लिए आपके मौलिक अधिकारों का भी हनन करना पड़ता है, तो आप लोग याद रखिए। इसलिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा। ठीक है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में राष्ट्रवाद सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और कब तक रहेगा यथावत? 2026 तक। लेखानुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए कुछ पैसे देने के लिए एक तरह से। ठीक है, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किसी पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है विनियोग विधेयक पर। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो याद रखिए भारत सरकार अधिनियम 1935। और याद रखिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे संविधान में देखा जाता है। संविधान की एक प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार ही, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, जो 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय में।
कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? 25(2) में, आर्टिकल 25(2) में। धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अस्पष्टता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद ने दंडनीय अपराध बनाया है? आर्टिकल 17। अगर आपसे कोई छुआछूत करता है, इस तरह की वो रखता है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सामने वाला जो भेदभाव करता है उसे सजा भी मिल सकती है। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे देश में इतनी जागरूकता कहाँ है। आप सोचिए, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति अगर जागरूक हो जाए तो सरकारें काम करने पर आ जाएंगी। जहाँ जिस देश में आप समझिए बातों से काम चलता हो, उसे वहाँ काम करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन किए गए? 4वीं अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो भाषा को शामिल किया गया है? तो याद रखिए, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। और अब 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं, याद रखिए। 1989 में सिविल सर्विस परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का आयोजन किया गया था? सतीश चंद्रा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा कारोबार के संव्यवहारों पर स्टाफ शुल्क से विभिन्न कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? संघ सरकार द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 233, आर्टिकल 233। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सबसे कम आपको गुवाहाटी में देखने को मिलेगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 108 में। अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक के तहत पारित किए गए हैं? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक के। और इस बैठक को पिछले भी बता चुका हूँ कि बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ऐसा 3 टाइम देखा गया है। दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंककारी सेवा आयोग विधेयक 1978, आतंकवादी विरोधी विधेयक 2002 पोटा की संयुक्त बैठक में पारित हुए थे। 3 को याद रखिए। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 14 से लेकर आपका 18 तक। लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल की घोषणा के दौरान आप देखेंगे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से है? तो आर्टिकल 51 का। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? संविधानिक उपचार के अधिकार 32 को, ठीक है, आर्टिकल 32 को। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। पैसे की लेन देन की बात, वित्त आयोग। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आर्टिकल 350 का में, ठीक है, 350 का में। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कलकत्ता के अंतर्गत आता है, पहले भी बता चुका हूँ। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा को सविस्तार बताता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से 1 अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इनसे 3 से मिलकर बनती है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए करने का प्रावधान रखा गया है संविधान की प्रस्तावना में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1964 और 66। इनकी बायोग्राफी कवर की हुई है, आप लोग देखिए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। और आज अगर आप लोग आज के नेताओं से इनकी तुलना करेंगे तो आपको जमीन आसमान वाला फर्क दिखाई देगा। सच्चे नेता हुआ करते थे। संविधान सभा के गठन की मार्ग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन संविधान संशोधन द्वारा दर्जा मिला था? 73वां संविधान संशोधन था ये। पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता प्रदान किया जा सकता है, इको मार्क, यानी कि आपकी उसके पर्यावरण के हिसाब से है। सदन ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित और कब पुनः चालू किया था? तो याद रखिए जुलाई 1977 में बंद हुआ था और 1980 में फिर से चालू हो गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन पूर्व, ठीक है, 14 दिन। संघीय शासित क्षेत्रों जिसकी जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण करता है राष्ट्रपति अपनी विनियमन बनाने की शक्ति द्वारा, और ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 240 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन और वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार देता है आर्टिकल 48A। क्या लोकसभा राज्य द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आर्टिकल 25, क्योंकि उस धर्म में आप देखते हैं कि ये सब बातें चलती हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया था वह है 73वां संविधान संशोधन 1992 में। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन और विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ देखने को मिलेगा? 7वीं अनुसूची में। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत और इंडिया। राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए कौन होता है? महाधिवक्ता। केंद्र में आप देखते हैं कौन होता है केंद्र के लिए? महान्यायवादी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 से लेकर 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? कानून मंत्री। जनहित याचिका किस मंत्रालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी में भी। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना में भी देखने को मिलेगा और नीति निर्देशक सिद्धांत में भी। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा मिला है? 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। भारत किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भी बात कर रहा है, उड़ीसा भी बात कर रहा है। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया था जिसको भारत के लिए एक संविधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे महात्मा गांधी साहब ने। किसने? महात्मा गांधी साहब ने। आप जान रहे हैं महात्मा गांधी ने लाठी से ही सब कुछ किया। देखिए सबका योगदान है आज़ादी में। आप किसी को किसी से लड़ा नहीं सकते हैं, यानी कि आप लोग उतना ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और महात्मा गांधी सबको आप लोग, क्योंकि आप समझिए कि सब किसी का कम किसी का ज़्यादा कह दीजिए। अगला है आपके सामने क्वेश्चंस, क्या पूछ रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसमें अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की थी। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली साहब।
और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति को याद रखिए और इसके अध्यक्ष को याद रखिए, अध्यक्ष के बारे में कई बार पूछ लेता है। आर्टिकल 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण और इसके लिए किसी भी भाग में निर्वासन करने का अधिकार का उल्लेख है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब तक जम्मू कश्मीर 370 लागू था तब तक वहाँ निवास या प्रतिबंध लगाया जा सकता था, लेकिन 370 हटाने के बाद आपको अधिकार सब कुछ मिल चुके हैं। अब बाकी राज्यों में जो व्यवस्था है वही जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अनुसूचित अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 352 में, आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द का बात की गई है। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानूनी अधिकारी। उसे भारत के सभी न्यायालयों की सुनवाई करता अधिकार होता है और साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वोट इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि उनका सदस्य नहीं होता है वो, ठीक है। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्य में से लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक बात बता दूं कि देखिए आप लोग, ना तो लोकसभा अध्यक्ष शामिल उस समय उपस्थित है और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष शामिल है, तो इसके लिए 6 लोगों की गठित कर देते हैं कि इन 6 में से कोई भी अध्यक्षता करता रहेगा क्रम से। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करके विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई थी। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होनी चाहिए? 10 लाख। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता चुनाव अस्थायी संसद कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान परंतु यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। देखिए आप सभी जानते हैं दो डेटों को, एक तो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान आपके लागू हो चुके थे जिनमें आप देख सकते हैं चुनाव की नागरिकता की, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि पूरी तरह से आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पंचायती राज को संविधानिक स्वरूप कब दिया गया? 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 15 सदस्यीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है और सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, इसका पदेन सभापति होता है, ठीक है। केंद्र तथा एक राज्य, उसके उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवादों के मामले में कौन सा न्यायालय न्यायालय में प्रारंभ हो सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय ही निपटारा कर सकता है जब केंद्र और राज्य में बंद ठन गई हो, यानी कि लड़ाई चल रही हो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए कोई ऐसा निर्धारित नहीं किया गया है, समय समय पर आप देखते हैं बढ़ती घटती रहती है। और आपको एक और बात बताऊं कि कहीं कहीं आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कह देते हैं, कहीं आप लोग उसे क्या कह देते हैं? प्रशासक भी कह देते हैं। तो याद रखिए, जैसे आप लोग पुडुचेरी में देख लीजिए, आप लोग क्या कह देते हैं उसे? उपराज्यपाल कह देते हैं। वहीं आप लोग जाइए तो आप लोग अंडमान निकोबार में उसे प्रशासक कह देते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा में 525 से बढ़ाकर
545 सीटें कर दी गई और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। तो याद रखिए ये 31वां संशोधन था 1973 में, ठीक है, जो संघ जो आपके संघ शासित क्षेत्र हैं यहाँ 20 कर दी गई है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे, लेकिन आपने देखा है कि 2019 से इसकी कहानी ख़त्म कर दी गई है लगभग। भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराया जाता है। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक होती है। याद रखिए संसद की, किसकी? संसद की अनुमति आवश्यक होती लेनी होती है। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो आप जानते हैं कि दल बदल कानून से संबंधित है आपकी, तो इसे याद रखिए आप लोग। कौन सा संविधान संशोधन था ये? ये था आपका 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1985 में। लेकिन आपने देखा इसका ज़्यादा कुछ प्रभाव देखने को मिलता नहीं है फ़ायदा, क्योंकि आप देखते हैं कि जो ताला बना लेते हैं तो उसकी चाबी भी चोर दरवाज़ा भी वो निकाल ही लेते हैं, नेता हैं एक। भारत की संविधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले और 1945 में वेवल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव हुआ था? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके हिसाब से। संविधान को 22 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक भाग में आप देखेंगे अनेक अनुच्छेद शामिल थे। नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं शामिल थीं, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने की फिरने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। इन सब का उल्लेख कहाँ किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि जो संविधान का 3रा भाग है मौलिक अधिकार से संबंधित, इसके अनुच्छेद 19 में। भारत जो मीडिया की स्वतंत्रता की बात होती है ये भी आप देखिए 19 में ही आपको देखने को मिलेगा। भारत में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, शुरू की बात कर रहा हूँ, मतलब मूल संविधान में। परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और आप देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितने बार आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरकारी शैक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का रोकने की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई है? ये 28। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिकों के हितों की रक्षा, संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो संविधानिक उपचारों का अधिकार। जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनका कोई हनन करता है, इन्हें कोई दबाने की कोशिश करता है आपके, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करेगी आपके अधिकारों की, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया था? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। भारत संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए। संघीय प्रशासन प्रणाली ये कनाडा से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी। गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांसीसी। मूल कर्तव्य सोवियत संघ। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संसात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से? ये ब्रिटेन से है, ठीक है, ये भी आप लोग। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? कई बार बता चुका हूँ, 42वां संविधान संशोधन। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य कब बनाए गए थे? ये 1960 की बात है, 1960 की। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से फेरे थे? पूर्व सोवियत संघ के। नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? देखिए केवल अनुच्छेद जो आपका 39 का खा है इसे लागू करना है, तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, उन्हें रोका जा सकता है। वेटिस व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समकक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान मिला है? तो आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। संसद का सदस्य न होते हुए भी
कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। लेकिन याद रखिए, इसे इसके पास मतदान या वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये सदस्य ही नहीं होता है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके पिसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी का भी मंत्रालय बदल सकता है, उसे हटा सकता है, समझ रहे हैं? कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित हैं, परंतु वह उनका किसकी सलाह के अनुसार काम करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। यानी कि उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। याद रखिए, वो तो सीधी सी बात है कि मंत्रिपरिषद के ऊपर है उसका क्या करवाना है। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। आपको बता चुका हूँ कितने, 80, और राज्यसभा में 31 भेजता है, सबसे ज्यादा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया? तो 83। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया? किस संविधान के अनुच्छेद 83। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। लेकिन आप देखिए, आप लोगों को पहले भी बताया कि जनता मतलब जागरूक नहीं है। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 फेवर्ग का खागा थे। ये फेवर्ग कब समाप्त हुए? 1956 में। ठीक है, कई राज्यों की आप जानते हैं स्थापना भी हुई थी इस समय। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन को व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती थी? 360 के तहत वित्तीय आपातकाल व्यवस्था को, लेकिन आप कर सकती है। ठीक है, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए आप जानते हैं कि 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? ये 42वें संविधान संशोधन की। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकाल कर किस में रखा गया है? ये 300 का में 300 ए कह लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान के कौन से भाग में राज्यों के पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व में, भाग 4 में। आर्टिकल 40 था ना, वो इसी से संबंधित था। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल। संसदीय विशेष अधिकार से क्या मतलब होता है? सांसदों को प्राप्त विशेष अधिकार। सांसदों के पास भी अपने अधिकार होते हैं। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं, पर आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा। ये वाल्टेयर का कथन था। एक कथन दे देगा आपसे और क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसका कथन है, याद रखिए। लोकतंत्र को लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया है? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। एक बात आप लोग भी जानते हैं, आजकल वोटर की वैसे ही हालत है कि वो आप लोग समझिए कि वोटर वोट देने वाला भिखारी है, यानी कि गरीब हो गया, और वोट लेने वाला अमीर। एक तरह से आप समझिए कि जो भीख मांग रहा है वो हो गया करोड़पति, और जो जिसने भीख दी वो रोड़पति, क्योंकि नेता जाके अपना माल छापते रहते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 75(3) में। संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियत संख्या क्या है? सदन की जो सदस्यता होती है ना, सदस्य होते हैं उनका 10वां भाग, तभी बैठक होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय को पुनः अभी पुष्टि हुई थी? तो केशवानंद भारती मामले में। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में। आप जानते हैं 1962 में हमारा चाइना से युद्ध हुआ था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की
जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, ठीक है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 249 में किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जिसे आप लोग स्पीकर कहते हैं। भारत का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है? 61। केंद्र और राज्यों भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधी तीन अनुसूचियों के नाम आपको बताना है, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने और शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब। तारकुंडी समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राजव्यवस्था के किस पहलू से था? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार की बात, चुनाव जो होता है ना उसमें व्यवस्था में सुधार करने की बात की गई थी। तारकुंडी समिति और गोस्वामी समिति, इस तरह की समितियों से आपके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो ये था गोलकनाथ मामला 1967 का। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है 73वां संविधान संशोधन 1992 का। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? अरुणाचल प्रदेश में। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया था? ब्रिटिश शासकों ने। अभी भी तो आप देख रहे हैं कि वही तो नेता हमारे कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक जाति का दूसरी जाति से लड़ाते रहिए और आपके वोट पाते रहिए। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी? तो याद रखिए अन्य न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कितना 15वां संविधान संशोधन था 1963 में हाईकोर्ट में, ठीक है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की 62 कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं 65 मुख्य न्यायाधीश की रखी गई है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नाममात्र का होता है। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? मैकाइवर ने, ठीक है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रहित में कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 249 में। राज्यसभा अगर सिफारिश करे तो ऐसा हो सकता है। किस संविधानिक पद धारक को जो संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो याद रखिए महान्यायवादी को। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्विवाचन। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका था? अरस्तु का। कथन तो बहुत सारे दे गए उसे, लेकिन अमल में लाया जाए, उस पर मतलब काम किया जाए, तभी तो फायदा होगा। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार किसके पास है? कैबिनेट मिशन के पास था। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? 1967 में। और आप लोगों ने सुना होगा कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने देखा है कुछ भी नहीं हुआ। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार का, अकाउंटेंट जनरल का। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां किस प्रकार जोड़ी गई हैं? तो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी आपकी, अब 12 हो चुकी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो याद रखिए केवल राज्यसभा में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखिए जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके द्वारा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 355 में। 355 में
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाता है? तो प्रथम अनुसूची में। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आर्टिकल 51। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। यानी कि अगर केंद्र राज्य में कुछ झगड़ा होता है तो राज्य आपका सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि भरोसा ही नहीं रहा तो क्या मतलब रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह लेनी ही होगी। आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक, इससे ज़्यादा नहीं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितने होनी चाहिए? तो 10%। यानी कि लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास 10% सीटें हैं वो विरोधी दल का नेता बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष रखा गया है, जो भी पहले होता है। याद रखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 350 का है। संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी 1977 में। और आप सभी जानते हैं कि 1977 में जब चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी कांग्रेस हार गई थी अपनी गलती के कारण। और आप समझिए कि अभी ना तो 16वीं लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता था, ना ही 17वीं, क्योंकि सीटें ही नहीं है उनके पास उतनी। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती मामला था 1973 का। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया संसद को। भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन 6 और 9 मई 1961 को बुलाया गया था। इनमें कौन सा विधेयक पारित हुआ था? दहेज जो प्रतिबंध विधेयक था ना, एक्ट 1959। आप सोचिए दहेज लेना भी एक मतलब जुर्माना लगेगा, लेकिन कहाँ बंद हुआ है। प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं रखी गई हैं 8वीं अनुसूची में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे आप जानते हैं कि दो बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनाए कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है? आर्टिकल 44, जो समान सिविल संहिता की बात करता है। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित था? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है 89वां। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं? केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश हो सकते थे, लेकिन आपने देखा है उस समय इसमें संशोधन किया गया, अब कोई भी उसमें हो सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं पूर्व और अन्य न्यायाधीश भी। ये क्वेश्चन MPPSC में बहुत आते थे। भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों की बात की गई है? पहली अनुसूची में। किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? कई बार बोल चुका हूँ, संविधानिक उपचार का अधिकार 32। अवशिष्ट शक्तियों का विषय है, अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय वे हैं जो संघ सूची या राजसूची संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास। संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में है? संवर्ती सूची में। शिक्षा व्यवस्था आपकी संवर्ती सूची में है, याद रखिए केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और राज्य भी। भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? धारा या अनुच्छेद 15 में। धाराएं अलग होती हैं। बेगार पर निषेध एवं स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरोध अधिकार। अनुच्छेद 22 के अधीन किस व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकट न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा? 24 घंटे में।
यानी कि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे निकट जो भी न्यायालय होगा उसमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी आप देखते हैं कि वो घोटाला करते रहते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारत के भारत के नियंत्रक महालेखाकार को किस समिति के मित्र और संरक्षक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है? लोकलेखा समिति। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ये लॉर्ड रिपन वही है जिसके समय काल में आपने देखा होगा कि नियमित और दशकीय जनगणना शुरू हुई थी। और वैसे आप जानते हैं 1881 की बात है और 1872 में आपकी जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहते थे? जम्मू कश्मीर के। राज्य के क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अंतिम अधिकार किसे था? संसद को है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर अपवाद के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट से स्वीकार किया था? तो अगस्त प्रस्ताव से। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। जर्मनी के वाइसर वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया? तो याद रखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, राष्ट्रपति की डेथ के बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर उसे चुनाव करवाना होगा। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से क्या तात्पर्य है? एक तो आप जानते हैं कि संविधानिक शासक होता है, केंद्र का एजेंट होता है और राज्यपालों का दुरुपयोग भी होता रहता है। अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करके त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्चतम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों से होता है। भारत में व्यय लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? महालेखाकार का। विनियोग अधिनियम सरकार को किस धन विनियोग के लिए अधिकृत होता है? संचित निधि के लिए। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? आर्टिकल 315। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के पद का कौन निर्वहन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। एम हिदायतुल्ला ने कुछ समय के लिए किया भी था, आप भी जानते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत। भारत में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के संविधान के किस अनुच्छेद के में व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। कौन से मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं? जीवन और देहिक स्वतंत्रता के अधिकार 20 और 21 को हमेशा बनाए रखते हैं, इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। याद रखिए कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो वह केंद्र में कितनी अवधि से अधिक मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने से आगे नहीं रहेगा, उसे सदस्य बनना होगा या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों हेतु सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है? आर्टिकल 335 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की को परिभाषित करता है? आर्टिकल 366। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, जिनमें से 15 आपके लोकसभा से, 7 आपकी राज्यसभा से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक नहीं हो सकते हैं? 70 वर्ष। वह रेट जो भारत में उच्चतम न्यायालय और अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय की आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करें, तो यह है परमादेश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधि विशेष अधिकारों का पीवी फर्स को समाप्त किया गया था? तो यह था 26वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन मिलता है? भारत की संचित निधि से। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु ऐसी किसी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो 25।
25 वर्ष है लेकिन शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसीलिए आप देखते हैं कि अनपढ़ भी आपके मंत्री बन जाते हैं, लोकसभा सदस्य बन जाते हैं, तो ये आप लोग देखते रहते हैं। हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री ने से किस राष्ट्रपति का विवाद हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? लगभग इसमें 455-60 के करीब पहुंच चुके हैं और अनुच्छेद अनुसूचियां 12। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य बन क्षेत्र बनाया गया? 1962। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने और शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगालियों बस्तियों को भारत संघ में मिलाया गया था? 1962 में। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मानना चाहे तो मान सकती है, नहीं मानना चाहे नहीं माने। लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ सकता है नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले, या उसे हटाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जाती है? मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के संविधान द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल 3 सदस्य हैं। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब किसके द्वारा लाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में और लोकसभा में। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप में तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है यहाँ। आप लोगों को एक बात और बता दूं, कई बार बता चुका हूँ। देखिए, मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष, जिसे आप जानते हैं कि लोकसभा का एक तरह से सभापति ही कह लीजिए आप लोग, ये लोकसभा सदस्य ही होता है। लेकिन राज्यसभा के मामले में जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या जिसे आप लोग सभापति कहते हैं, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन आप देखेंगे उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है लेकिन सभापति नहीं होता है। भारतीय लोक सेवकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो आर्टिकल 19। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और राज्यपाल का आप देखते होंगे, वो भी आप देखते हैं कि जो राज्य की मंत्रिमंडल होती है वही तैयार करती है। चुनाव के दौरान सभी प्रकार के जो चुनाव प्रचार होते हैं कब रोक दिए जाते हैं? तो जब आपका मतदान होना है उसके 24 घंटे पहले। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? 1909 में। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिए मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो आपको पहले भी बता चुका हूं, लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो उनकी संख्या बढ़ के हो गई थी 22। तो याद रखिए ये 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 52वां। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीन अनुसूची में डाला गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास है? तो राष्ट्रपति। यानी कि मूल अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। एक बात और याद रखिए, पीछे भी कई बार हम बता चुके हैं,
कि 2021 को किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता है। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब आपात की स्थिति लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। उच्चतम न्यायालय के कितने प्रकार की रेट जारी करता है? तो 5 प्रकार की। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय, परामर्शदायी, अधिकार क्षेत्र। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा हूँ। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो याद रखिए, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से कौन सा? 52वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है। और आप जानते हैं कि 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कही थी? तो संविधानिक उपचारों के अधिकार को और आर्टिकल 32 को। आप देखिए, ये क्वेश्चन जितना दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, आप समझिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की। भारतीय संविधान के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते थे। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एंग्लो इंडियन समाज का करते। संविधान सभा के सत्तावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो याद रखिए, विधानसभा सत्र होने के 6 सप्ताह तक, यानी कि अगर विधानसभा शुरू होती तो उसे 6 सप्ताह के भीतर पास करवाना होगा। ठीक है, जो आप देखते हैं 213 में के तहत जारी की जाता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? हटाने का प्रावधान लिखना चाहिए था, क्योंकि महाभियोग केवल आपका राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान में लिखा गया है शब्द, तो आर्टिकल 124। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है, इसके पास ज़्यादा कुछ सकती है नहीं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, जो आपकी SC आप लोग उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जो लोकसभा के हैं, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनते हैं। जो 31 आपके राज्यसभा के, तो ये आपके विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976 का। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान रखा गया है? वित्तीय आपातकाल का। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ये थे KT सहाय ने। संविधान का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो याद रखिए, नागौर राजस्थान में। कहाँ? नागौर राजस्थान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पष्टता निषेध यानी कि रोकने की बात की गई है? आर्टिकल 17। लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? 13। ठीक है, टोटल 20 की व्यवस्था की गई है।
लेकिन आपने देखा है कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर भी बना दिया गया, लद्दाख भी, तो अब संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अभी चुनाव उसके बाद हुए भी नहीं है। 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसे आप लोग माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। कौन सी क्रिया विधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? देखिए, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास ज़्यादा कुछ शक्ति होती नहीं है, सुझाव दे सकता है बस। यह पारित समझा जाएगा कि यदि लोकसभा इसे संशोधन स्वीकार करे भी या अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे, वो पास हो जाएगा। लोकसभा के पास शक्ति है कि वो माने या ना माने। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंविधानिक घोषित कर दे, ठीक है। ये राष्ट्र आप देखते हैं कि अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्था। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10, ठीक है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग ही संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बहिष्कार किया था इसका। जब से, देखिए याद रखिए, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास था? राज्य के विधानमंडल के। लेकिन आपने देखा है कि जब से 370 हटाई गई है, और तो आप समझिए कि सब वही व्यवस्था है जो बाकी राज्यों की है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 संख्या है, पहले 7 थी अब 6 है। विधानसभा के सत्तावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का अधिकतम अवधि, पहले भी बता चुका हूँ, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीन अनुसूची में जोड़ा गया है? इसे भी बात कर चुका हूँ, तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को नौवीं अनुसूची में। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? देखो कि राज्यसभा का पहले भी बताया आपको, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को नौवीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में बाधित नहीं रह सकता है, उस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता है, मत नहीं दे सकता है, क्योंकि ये वो सदस्य नहीं होता है उनका। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी किफलानी। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिया है। 15 अगस्त 1947 से और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो याद रखिए, हम लोग ब्रिटिश कैंडर में थे और राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था हमारा देश, ठीक है। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो याद रखिए, 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो संविधान के हिंदी पैरों में भारत, और अंग्रेजी पैरों में आप देखेंगे इंडिया, इंडिया और भारत। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, काखा ऐसे जुड़ते रहते हैं, लेकिन भाग तो आपके 22 ही है। इसी तरह आप अनुच्छेद देखिए, काखा का ऐसे जुड़ते रहते हैं। आर्टिकल 19 में देख लीजिए, आर्टिकल 21 में देख लीजिए आप लोग, लेकिन वैसे आपको संख्या में 395 ही देखने को मिलेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया था? प्रस्तावना में।
संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश पर संबंधित रही है? तो याद रखिए स्वर्ण सिंह समिति आपकी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। सरकार चाहे तो इनकी सुविधा दे सकती है और नहीं चाहे तो नहीं दे सकती है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशक्त बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने का काम करता है? संसद। क्योंकि आप सोचिए कि कुछ आपकी जो सेनाएं हैं उनके सदस्यों को वो अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाए, या फिर आप सोचिए कि संगठन बनाने के, या फिर आप सोचिए कि कहीं कोई ऐसी पाबंदी है वहाँ उन्हें विशेष अधिकार मिल जाए, वही अधिकार, तो वहाँ कुछ खतरा हो सकता है। इसलिए अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंध को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए, या फिर आप देखेंगे 65 वर्ष आयु, जो भी पहले हो उस वक्त तक। भारत में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ एक पॉइंट आप लोग याद रखिए, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य मिलकर। प्राकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तो याद रखिए केवल लोकसभा से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 14। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22। संविधान के 44वें संविधान संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया? संपत्ति के अधिकार को। किस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जा सकती है? तो याद रखिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा इसका प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव रखा जाए और उसके उपरांत संसद द्वारा इसे खत्म किया जा सकता है। आप देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा बनाने की बात कर रहे हैं। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय। कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो याद रखिए 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 का है। वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी एक और जुड़ गया। कौन कौन से हैं? 1 तो आप देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, एक इनकी है, एक किसकी है, मायावती जी, आप देखते हैं ना, कहीं नहीं देखते हैं। एक देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क, ये आप देखेंगे मार्क्सवादी, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। एक और आपकी नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये पीए संगमा की है, और अभी आपने देखी होगी कि सबसे नई यही है, इसमें आपकी 7 दी गई है, 8 कर लेना आप लोग, ठीक है, टोटल अभी 8 हैं 2021 तक, आगे जुड़ती रहती है, इसमें जान दिमाग मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिंघा की अध्यक्षता में हुई थी, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो याद रखिए मुस्लिम लीग ने,
और डॉक्टर सच्चिदानंद सिंघा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? डॉक्टर वी एन राव की, सलाहकार यानी कि राय देने वाले। ठीक है, छह मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? एक तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संविधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले तो हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया भी आप लोग कह देते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पद की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण आदि का अलंकरण किया जाता है? तो आर्टिकल 18। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या था? बलवंत राय मेहता। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? कि 10 वर्ष तक वो भारत में निवास करें। और भी है प्रावधान। संविधान के किस एक भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो जो संविधान का भाग 3 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो याद रखिए, संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? कितने बार इसे देख चुका हूं। संविधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिए देने का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? 20 में। संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की बात की गई है? 149। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति है, इसका आशय क्या है? कि विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम उसके किसी भाग की संविधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति का। ठीक है, अगर कोई आपकी विधायिका ऐसा नियम पारित करती है जो एक तरह से संविधान के विरोध है तो उस पर उसे निरस्त भी कर सकती है न्यायपालिका। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 88। ठीक है, अनुच्छेद 88। लोक हित के मुकदमे की पुनः स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था? तो ये थे न्यायमूर्ति PN भगवती। ठीक है, जनहित याचिका इन्हीं से संबंधित है, इन्हीं ने शुरू करवाई थी एक तरह से। संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें तो आप जानते होंगे। संविधान का गठन किसकी संतुति पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषय पर, राज्यपाल करता है ना इसकी। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? 1 माह के। राज्य का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर होता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और नियंत्रण में काम करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप समझिए, इससे बहुत सारी बड़ी संख्या में आप कह सकते हैं कि इसी से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा संविधान पर देखा जाता है। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में की थी? केशवानंद भारती बाद में। भारत में राजनीतिक दलों का को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग, जो हमारा राष्ट्रीय
निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद को। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 सदस्यों द्वारा। ठीक है, 50 सदस्यों द्वारा एक तरह से इस प्रस्ताव को लाना चाहिए, उसके पक्ष में होना चाहिए शुरू में। लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्ण भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्यों चुना गया था? यही दिन क्यों चुना गया? तो कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में आपने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन को। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है? तो याद रखिए वित्त विधेयक पर। ठीक है, वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का, लेकिन सदस्य नहीं होता है इसका। लोकसभा के कार्यकाल समान कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय कोई संकट खड़ा हो। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस सदस्य की अयोग्यता अध्यक्ष अथवा योग्यता पर निर्णय का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के, लोकसभा में। ठीक है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? पहले भी बात कर चुका हूँ, तमिलनाडु के आरक्षण को। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? खुला मतदान। और याद रखिए विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए न्यूनतम। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। यदि किसी विधि या संविधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो क्या परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है, और इसके लिए आप देखते हैं 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक नहीं पेश किया जा? राज्यपाल, और आपके अंदर में देखें राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति। राज्यों की सूची के किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक सुविधा पर निर्भर करता है? KT साय ने। तो याद रखिए क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार आप देखेंगे, तो याद रख सकते हैं इसे अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित था? तो याद रखिए कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत इसे प्रस्तावित किया गया था। किसी मृत्युदंड पर पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसके पास है? केवल राष्ट्रपति साहब के पास, आर्टिकल 72 में आप देखते हैं ना। ठीक है, तो याद रखिए मृत्यु दंड की अगर किसी को सजा मिल चुकी है तो एकमात्र व्यक्ति के पास शक्ति है कि उसे क्षमा कर सकता है, केवल राष्ट्रपति साहब। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में आप देखेंगे 552 और राज्यसभा में आप देखेंगे 250। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो याद रखिए 14वीं लोकसभा में, जिसमें 14वीं लोकसभा चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत भी। लेकिन राष्ट्रपति के मामले में आपने देखा होगा कि आपके लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, सभी निर्वाचित मनोनीत, उनके मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो आप देखेंगे 1936 में।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। भारत राष्ट्रपति भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो याद रखिए आर्टिकल 76। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया हमारे संविधान में, याद रखिए। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता, बंधुता को विस्तार से बताता है फ्रांसीसी क्रांति से। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति इसी इसके संदर्भ में तो हुई थी। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। आप लोग बताइए किस भाग में है ये संविधान के, क्योंकि आपको कई बार बता चुका हूँ पीछे। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। नवी अनुसूची में क्या रखते हैं? वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो, जिन पर आगे कुछ न कार्रवाई करना हो। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत बता चुका हूँ पीछे ही, भारत शासन अधिनियम 1935। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग आपका संविधानिक संस्था है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता की भी इसी आर्टिकल में आप देखेंगे। भारत में सन 1975 से 77 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई थी, ये संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, और आप जानते हैं समय इंदिरा गांधी का समय था। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है? धारा 30(1). पता नहीं धारा क्यों लिख देते हैं, आर्टिकल होना चाहिए अनुच्छेद, ठीक है, याद रखिए। मौलिक अधिकारों में आप देख देते भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधार करने का कर्तव्य किसका है? प्रत्येक नागरिक का, हमारा आपका सबका। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? 50 सदस्यों की। संपत्ति का अधिकार आप किस प्रकार का अधिकार है? विधिक, यानी कि लीगल राइट है आपका। अगर आपकी संपत्ति कोई छीनता है तो आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों से इसे हटा दिया गया है, क्योंकि ये हटाया इसी उद्देश्य से गया था। जब भी किसी के मौलिक संपत्ति को कोई हड़पता था, यानी सरकार अपने अंडर में लेती थी, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, लोग हाई कोर्ट चले जाते थे। भारत के संविधान के अंतर्गत किस कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? धर्म या फिर भाषा के आधार पर। आप देखते हैं मुस्लिमों को कहीं कहीं आप देखते हैं अल्पसंख्यक संख्या के आधार पर या फिर भाषा के आधार पर भी इन्हें अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग यानी कि मंडल आयोग की नियुक्ति हुई थी? आर्टिकल 340, आर्टिकल 340। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से निकाला गया था? तो याद रखिए इस समय शासनकाल था मुरारजी देसाई साहब का, 1978-79 की बात हो रही है। भारतीय संविधान जिन्हें किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चों और महिलाओं को। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 थी, इसके अंतर्गत। संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्यों की व्याख्या की गई है? तो याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, परंतु व्यक्ति रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति साहब के। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? जब तक कि उसे संसद का समर्थन रहता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिनों सत्ता में रहा था? 13 दिन, सबसे कम समय तक, आप समझ रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए?
25 वर्ष, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा सदस्य के रूप में अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो 25 वर्ष और राज्यसभा के रूप में 30 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से बढ़ाकर, माफ करिए, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी के समय की बात की जा रही है। फिर आप देखते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा वापसी 5 साल कर दिया गया। आज भी आप देखते हैं 5 साल ही है। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने के अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, लेकिन अपने मन से नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है ऐसा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी होगी, परामर्श लेना होगा। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन आता है? भारत की सर्वोच्च न्यायालय के। भारत का संविधान से शक्तियां किसे प्रदान करता है? संघीय सरकार को। किस संविधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये आपका 74वां संविधान संशोधन था। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद। भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में काम कौन करता है? ये भारत का महान्यायवादी, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति के से घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है? तो याद रखिए, लोकलेखा समिति। कौन सी? लोकलेखा समिति। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? संसद की। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की? 1962 में, जब आपने देखा चाइना और भारत के बीच युद्ध हुआ था। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? 1975 में, इंदिरा गांधी के समय। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना कम से कम कितने समय तक मंत्री या फिर प्रधानमंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य बनना होगा। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त हो। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन काम करता है? स्पीकर के, यानी कि अध्यक्ष के। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 14, यानी कि 12 आपके राज्य में और 2 आपके राज्यसभा में, 12 और 2 आपके लोकसभा में। देखिए, लोकसभा से हटाने की बात भी की जा रही है एंग्लो इंडियन के। यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसे स्थिति में क्या करता है कि लोकसभा पहले ही से ही अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची बना देता है 6 लोगों की, कि अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा सदस्य नहीं है, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग हटाने की बात चलाने जाने का प्रावधान रखा गया है? तो आर्टिकल 124। महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रपति के संदर्भ में केवल किया जाता है, ठीक है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। कितना? 3 साल के लिए। आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक अपने पास रोक सकती है? 6 महीने तक, बहुत से वक्त फिर पास मान लिया जाता है। यानी कि आप सोचिए कि जो आवित्तीय विधेयक हैं, इन्हें 6 महीने तक राज्यसभा रोक सकती है। राज्य सूची के किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान किया? केशवानंद भारती बाद में। आपने जाना है कि केशवानंद भारती कुछ समय पहले इनकी डेथ हो गई। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 124वां संविधान संशोधन है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं।
भारत में संप्रभुता किन्हें बताया गया है? हम भारत के लोगों को, यानी कि जनता को। लेकिन जनता में कोई, मुझे लगता है कि आप समझिए, वोट के बाद मालूम ही नहीं चलता है कि जनता गई कहाँ है, समझ रहे हैं आप लोग। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये था 51। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है? आर्टिकल 352। कितना? 352। 352। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा लोकसभा दोनों में, ठीक है। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्राप्त होती हैं? कैबिनेट मंत्री के समान, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आपको देखने को मिलेंगे? भाग 3 में। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, यानी कि वित्तीय आपातकाल लागू करने का। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक लागू नहीं किया गया कभी, और ना लागू हो, यही दुआ करिए ऊपर वाले से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाला वाली सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति। लेकिन याद रखिए 20-21 को कोई भी नहीं कर सकता, 20 और 21 को। भारतीय संविधान तदत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और आपके विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? ये कहाँ आ गए? मंत्रिपरिषद आप देखते हैं कि मंत्री सामूहिक रूप से आप देखते हैं सभी लोकसभा के प्रति होते हैं, लेकिन आप देखते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। लेकिन पहली बार अगर चुनाव की बात करें तो 1951-52 में हुए थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है, यानी कि इसका समाधान? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इस अधिवेशन को बुलाता कौन है? याद रखिए बुलाता है आपका कौन? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साहब, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति जी की। किस संविधान संशोधन द्वारा 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया गया? तो याद रखिए 61वां संविधान संशोधन था, 1989 में हुआ था। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पहले वोट डालने की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब जानते हैं आप लोग कि आपको, अगर आप लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप लोग विधायक भी चुन सकते हैं, सरपंच भी चुन सकते हैं, लोकसभा सदस्य भी चुन सकते हैं, मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ जाता है। संगठन की निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वैश्याओं या सैनिकों को। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था इनका? बम्बई से। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिए डॉक्टर बी एन राव, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत का मंत्री मंडलीय सचिव। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ, जिसे आप लोग रूस कहते हैं ना, उसी से। अन्य राज्यवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था, यानी कि देरी की थी। एक तो इसमें आप जूनागढ़ देखेंगे, एक हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। रियासतों की बात की जा रही है, जिसका श्रेय आप देखते हैं कि आप लोग किन्हें देते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता और समाजवादी पंथनिरपेक्षता शब्द के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिए अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्षता
ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, कब? 1976 में। भारत के संविधान में प्रवेश की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आर्टिकल 19 में। किस एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो संविधानिक उपचार के अधिकार, आर्टिकल कौन से? 32। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता क्या है? ग्राम सभा, फिर आप देखते हैं पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, या फिर आप लोग इसे इस तरह से भी देखते होंगे ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच चुनते हैं, फिर आप देखते होंगे कि यह आपका होता है क्या ब्लॉक जिसमें आप देखते हैं जनपद, फिर आप देखते हैं जिला परिषद। संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय, प्रमुख विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? अनुच्छेद 51A में। भारत सरकार को कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग लेता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, लेकिन याद रखिए इसके पास वोट देने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। नीति निर्देशक तथ्यों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यानी कि सरकार चाहे तो इनका फायदा आपको दे और ना चाहे तो ना दे। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है, पूर्व अनुमति। भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? संसद की अनुमति से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति। भारत में 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित था, ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1994 को। आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल को इसीलिए पंचायती राज दिवस के रूप में भी आप लोग मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। आर्टिकल 61 में आप देखते हैं महाभियोग की बात की गई है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। भारतीय राज्य संघ के किस एक राज्य का अपना संविधान होता था पहले? जम्मू कश्मीर का 2019 तक। पॉकेट वीटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो प्रमाणित करता है, ना ही अस्वीकार करता है, ना उसे लौटाता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रख लेता है अपने पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया? तो 32। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो टीटी कृष्णमाचारी ने। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो आर्टिकल 359। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार होता है? केटी साय ने। ये कई बार बात कर चुका हूँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, इस पर भी बात कर लिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? आर्टिकल 43। बेबी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? उपराष्ट्रपति। आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? 6 माह। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने की बात की गई है? अनुच्छेद 124। कई बार रिपीट हो रहे हैं। संघीय क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 24। चलिए, रिवीजन होता रहता है जब रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं, और वही रिपीट हो रहे हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये अच्छी बात है। किस संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को, जिसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या लघु संविधान, जो भी कहना हो। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है।
संविधान का 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था से। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना कर सकता है? तो याद रखिए ये आर्टिकल है आपका 312। स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति यही थे। और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति आपका क्या होता है? सभापति होता है राज्यसभा का। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कुछ मौलिक आपके जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इन्हें अगर आपको लागू करवाना है तो कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होना स्वाभाविक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की बात की गई है? आर्टिकल 352। संविधान संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। याद रखिए संविधान संशोधन के विधेयक को किसी भी में पास रखा जा सकता है, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग, यहां गलत है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक और नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। देखिए अगर कहीं गलती हो जाती है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर मुझसे भी भूल हो जाती है तो आप लोग सुधार के नीचे लिख दिया करिएगा, जैसे हमारी फैमिली का अगर कोई और मेंबर आता है तो वो आसानी से समझ सके। थोड़ा विस्तार से लिख दिया करिएगा और अच्छी बात है। संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था किस बाद में की थी या व्याख्या किस बाद में की थी? तो केशवानंद भारती बाद में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आर्टिकल 368। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधा और मान्यता प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। राज्य की महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल जब तक चाहे तब तक प्रसाद दे सकता है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। जम्मू कश्मीर में उसका जो संविधान था कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957, लेकिन अब नहीं है, देखिए हट गया है अब। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन। लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को कौन क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। संविधान बनाने की पहली बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? पहले भी बता चुका हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से, जो आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन लगा इस राज्य में उस राज्य में। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के तहत प्राप्त था? आर्टिकल 370 के। अब नहीं है लेकिन आप भी जानते हैं, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन हमने उसके पद को गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह विचार किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि आप देखते हैं कि राष्ट्रपति भली मतलब एक तरह से आप कहिए कि बड़ी प्रतिष्ठा का नाम, मतलब गौरव आपको देखेगा उसके पद में, लेकिन उसके पास अपनी शक्ति नहीं होती अब, क्योंकि आप देखते हैं कि हर निर्णय उसे लेना है तो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही लेना पड़ता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 280। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में काम करता था?
राष्ट्रीय विकास परिषद, लेकिन आप देखते हैं कि नीति आयोग आ चुका है इसकी जगह। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 324। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास, संसद को। संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में जिसके पास भी बहुमत, दल के नेता के पास एक तरह से बहुमत है, वही बन सकता है। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित के किसी मामले को किसी भी व्यक्ति द्वारा, आप भी किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, तो उसके आप लोग, उसकी तरफ से आप लोग जनहित याचिका लगा सकते हैं। भगवती, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होता है? संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। याद रखिए, निर्वाचित सदस्य ही होते हैं इसमें, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये कई बार बन चुका है। तो ये थे आपके कुछ पॉलिटी के या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। इस क्लास को आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इसमें आपके वही क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं जो आपके एक तरह से महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अच्छे से देख लेना। आगे हम लोग किसी सब्जेक्ट पर और भी बात करेंगे, सभी सब्जेक्टों को इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोग आसानी से देख लेंगे।